हूँ। हेलो प्रीति मैम, क्या हो गया? Hello and good morning everyone. On this beautiful morning, I, Priti Bhattacharya, would like to welcome you all in this session, Strategic Approach Towards Combining Taste and Nutrition to Improve Immune System. We hope this session will be beneficial for all of us. Before starting this session, I would like to welcome our eminent keynote speakers, Dr. Rashmi Minch, Professor, Food and Nutrition in Government DB Girls College, Raipur. आपका 35 years का experience है. आपने 100 से ज़्यादा national और international conferences में paper present किए. I want to welcome our second keynote speaker, Dr. Alka Mohan Chitani, Nutrition Consultant, former chief dietitian in head departments of dietetics team. She got lifetime achievement award in the field of nutrition as well as best paper presentation at IDA national conference. She served as a treasurer, secretary president, executive member, Indian Dietetics Association. Aapka 33 years ka experience hai. मैं इसी के साथ वेलकम करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट कीनोट स्पीकर प्रोफेसर के शंकरा राव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र. ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. आपका 27 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है. आपने भी नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स वर्कशॉप में पेपर प्रेजेंट किए हैं. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. Now, we want to express our heartfelt thanks to Rawat Group of Organization to organizing this seminar. Before started this session, let me throw some light on this organization. This organization was set up by Mr. B.S. Rawat in the year 2003. Due to his dedication and efforts, this organization reaches globally through different segments. Now I would like to say a few words about Rawat College also. Rawat College is a perfect place for women's education because girls' education is a lifeline for development. And this organization believes in excellence.
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग सरस्वती माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने एक सरस्वती श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या वीणा वरदंड मंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभति भी देव सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती, निशेष जड़ा पहाड़। थैंक यू। Now I would like to welcome the director of this college, Mr. Hemendra Rawat and Mr. Narendra Rawat. I would like to welcome the principal of this college, Dr. Bharti Kuteta, and I would like to give thanks to our technical members, Ms. Shabana, and all the team leaders. इसी के साथ मैं हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर मिस्टर नरेंद्र रावत को वेलकम करना चाहूंगी टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। सर प्लीज आपका माइक ओपन कीजिए, म्यूट है। हेलो सर, नरेंद्र सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, यस सर ऑडिबल है आप? यस सर ऑडिबल है आप? नाउ यस सर। ओके ओके, नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस नेशनल सेमिनार टॉपिक व्हिच इज द अबाउट अप्रोच टुवर्ड कंबाइनिंग टेस्ट एंड न्यूट्रिशन टू इंप्रूव इम्यूनिटी सिस्टम। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आ रही मैम आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी मैम? अब आ रही है आपको आवाज? यस यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। हेलो, कैन यू हियर मी? सॉरी, अब आवाज आपको प्रॉब्लम्स की वजह से सर की आवाज नहीं आ पा रही है। कैन यू हियर? हेलो, यस यू आर ऑडिबल, क्वाइट ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। अभी चला गया, अभी मैम वॉइस आ रही है? यस सर, आप ऑडिबल हैं, आप स्टार्ट कीजिए। हेलो हेलो
ओके मैम. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी सर, आप ऑडिबल हैं, आप स्टार्ट कीजिए. नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस नेशनल सेमिनार. टॉपिक विच इज द अबाउट अप्रोच टुवर्ड्स कंबाइनिंग टेस्ट न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम. दिस इज द नीड टू ऑफ आर दैट वी हैव टू बी हेल्थ एंड कॉन्शियस. बट वॉट अबाउट टेस्ट? सो वी कैन बैलेंस बोथ, बट हाउ दैट वी विल डिस्कस बाय द इम्यूनिटी स्पीकर्स. इट इज सेड जैसा खाए अन्न वैसा खाए मन. मीन्स हम जैसा भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है. तो आज का दौर जब बीमारियों की दस्तक दे रही है तो हमें स्वाद के साथ साथ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके. आई एम रियली ग्रेटफुल टू आर गेस्ट दैट गेव प्रीवियस टाइम टू मोटिवेट आर टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑफ कॉलेज. So at least I will say health and wealth. So be careful and stay healthy. And I want to special thanks to all of you. They are conducting this national level seminar. Thank you. Thank you so much to all of you. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now I would like to welcome the principal of this college, Dr. Bharti Kuteta, to please say a few words about this session. Hello. मैम वीडियो. वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन. मैम वीडियो ऑन कीजिए. वीडियो ऑन करो. ऑन है. हेलो वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन. आई होप ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी. Respected Chairman Sir, Director. Hello, welcome and namaste everyone. I hope you all are staying safe and healthy. Respected Chairman Sir, Director Rawat Group of Education, our eminent speakers, Professor Rasmi Menj, Dr. Alka Mohan Chitani, Professor K. Shankar Rao, and all participants. I welcome you all with the bouquet of my best wishes. I would like to give my heartfelt gratitude to our speakers for accepting my request just on a call. I am privileged to announce that around 400 professionals and students throughout the nation registered with us. As we know, this year the theme of National Nutrition Week is Eat Right, Bite by Bite. The focus is to combine taste and nutrition to create healthy meals. Taste, nutrition, and herbs from Ayurveda is 360 degree approach to boost our immunity, which is a must needed magical power during this pandemic period. So let's get our eating habit right for getting a better immunity. For those who just joined, I welcome you all, and now let us begin with the session. So ma'am, Rashmi Menj, Dr. Alka, Dr. Professor Rao, I am grateful to you. You just accept my invitation on a call. I am really gratitude, thankful to you. Now I start this session for better immunity, for better nation. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Thank you,
Now, before starting this session, I would like to welcome our first keynote speaker, Dr. Rashmi Minch. Please come. Warm greetings to all. Namaskar. Rawat College ke chairperson, Rawat College ke principal, organizing committee, and dear all the fellow participants, along with the eminent speakers. Aaj nishchit roop se मैं महाविद्यालय के प्रिंसिपल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने न्यूट्रिशन वीक के समय इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। इंडिया में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गुड फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल। आपको बताते हुए मैं बड़ी हर्षित महसूस करती हूँ कि विश्व में पल्सेस के प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर वन है। सीरियल्स के प्रोडक्शन में विश्व में इंडिया का स्थान दूसरा है। इतने अचीवमेंट के बाद भी हम देखे हैं कि 60% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है वो अंडर न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रही है। कि किसके अपोजिट शहरी पॉपुलेशन में ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी जैसी समस्याएं आ रहे हैं। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी की जगह अब हमको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर बात करना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, हमारे देश के पास फूड सिक्योरिटी पर्याप्त है, अब आवश्यकता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्लाइड्स। होप इट इज विजिबल टू ऑल। जैसा कि न्यूट्रिशन का थीम है इस साल का न्यूट्रिशन वीक का, ईट राइट बाइट बाय बाइट। मैम आपका हम आज इसी बात पर, सॉरी मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ। इट इज नॉट विजिबल। हां यस मैम नॉट विजिबल। Now, अभी देखिए। No, ma'am. No, it's visible for me. Hello. हाँ जी। It's visible, ma'am. It's visible. Visible. It is visible, yes. Na? Yeah, yeah. Yeah. So the theme of इस जो हमारा National Nutrition Week है, इसका जो theme है वो है Eat Right, Bite by Bite। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश में nutrition security की आवश्यकता है, food security हमने already प्राप्त कर ली है। मैं अपनी बात गीता के श्लोक से प्रारंभ करना चाहती हूँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है।
जिस प्रकार से ईट राइट बाय 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 है बाइट है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमको अब वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड प्रतिदिन अपने आहार में इंकल्केट करना है और डाइटरी डाइवर्सिटी पर बात करना है। देखिए जब हम अपने 24 आवर रिकॉल करते हैं, अगर हम अपने डाइट का, अगर हमने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, भोजन लिया, तो हम देखते हैं कि हमारे आहार में डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब जो फूड है वो वही का वही दाल चावल सब्जी रोटी है। नाउ द ईट राइट का मतलब यही है कि हमको अपने फूड में, अपने आहार में, माई प्लेट में डाइवर्सिटी लाना है। वी हैव टू क्रिएट हेल्थफुल एंड बैलेंस्ड मील। साथ ही साथ इसको लाने के लिए हमको एक महत्वपूर्ण काम करना है, दैट इज हेल्थफुल ईटिंग हैबिट्स। हमको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उनको हेल्थफुल करना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है टेलर मेड डाइट। टेलर मेड डाइट का मतलब होता है जिस प्रकार से एक टेलर हमारी ड्रेस को हमारे आधार पर बनाता है, इसी तरह से एक फैमिली में एक यंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट भी होता है, एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी होता है, एल्डरली भी होते हैं और एडल्ट भी होते हैं। इस प्रकार से हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो भी डाइट ले रहे हैं वो टेलर मेड हो। मुझे लगता है स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, शुड आई ट्राई वंस? It's visible, madam. It's visible. Ma'am, it's visible. Okay. Yeah. In YouTube, it is not visible. No, it's visible. Okay. Thank you. So, what will be the objectives of eat right, bite back? देखिए, eat right जो होता है, वो हमको eat right with budget करना पड़ेगा। Smart shopping की आवश्यकता है। देखिए स्मार्ट टीवी आ गए, स्मार्ट मोबाइल आ गए, अब हमको जो फूड आइटम्स है उसमें स्मार्ट शॉपिंग की आवश्यकता है। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उससे प्रभावित ना होते हुए हमको अपने बजट के अनुसार ही शॉपिंग करना चाहिए। बहुत ही लो कॉस्ट हमारे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स होते हैं, सिर्फ हमको ये आवश्यकता है कि हम स्मार्टली, विजिबली, वाइज विजडम से ये काम करें। दूसरा है ईट राइट फॉर अ हेल्दी बॉडी वेट। हमको ईट राइट करना है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। ईट राइट विद माय प्लेट, आपका जो प्लेट है, हमारी जो प्लेट है उसके आधार पर हमको ईट राइट करना है। इसके अलावा ईट राइट विद रिड्यूस फूड वेस्टेज। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ डेज। हमारे यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में जो राशन है वो काफ़ी लो कॉस्ट मिलने लगा है। हमारे यहाँ 2 रुपये किलो चावल मिलता है। हम देखते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमको इसको भी, इस पर भी ध्यान रखना है। ईट राइट विद स्मार्ट स्नैकिंग। स्नैकिंग जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, सो हेल्दी स्नैकिंग भी हम कह सकते हैं। ईट राइट एंड पावर अप विद द ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारा पावर अप ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ईट राइट फिजिकली एंड मेंटली फिट। हमको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए ईट राइट की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमको मेंटली भी फिट रखते हैं। तो ईट राइट अकॉर्डिंग टू एज, ईट राइट अकॉर्डिंग टू सेक्स, ईट राइट अकॉर्डिंग टू हेल्थ, ईट राइट अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। हम देखते हैं कि एज के आधार पर हमारी जो बॉडीली रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, सेक्स के आधार पर भी डिफरेंट होती है और हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेट्रोपॉलिटन्स में ओबेसिटी बढ़ रही है, ओवरवेट बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, डिजनरेटिव डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, इन सब के लिए हमको अभी से ही प्रिपेयर होना है और हेल्दी रहने के लिए ईट राइट करना है। ऑक्यूपेशन के आधार पर भी हमको ईट राइट के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। फोकस ऑन गट हेल्थ।
it will improve the physical and mental health as well. कहते हैं 70% जो diseases होती हैं वो gut से प्रारंभ होती हैं. जो हमारा gastrointestinal system है वो 70% जो है वो इसके ऊपर ही depend करता है. Even हमारी mental health जो है वो भी gut के द्वारा ही balanced होती है. जो serotonin है, dopamine है, ये जो hormones होते हैं ये gut में ही produce होते हैं. About 70% जो happiness hormones हम इनको कहते हैं ये gut में produce होते हैं. फिर एक और हमको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी ईट राइट बाइट बाय बाइट के लिए, वो है टू डेवलप अ लाइफ लॉन्ग हैबिट्स. जो भी हम फूड हैबिट बनाते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए बने. इसके अलावा कुकिंग टिप्स जो होती हैं वो हेल्दी डाइट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं. बहुत छोटी छोटी कुकिंग टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं उनको हमको, जैसे मेथी है, मेथी दाना हमको पता है, हम उसको भूंज कर एक छोटे से डिब्बे में रखें. पम्पकिन सीड्स हैं, दे आर रिच इन जिंक. पम्पकिन सीड के अलावा फ्लैक्स सीड, दे आर रिच इन ओमेगा 3. इन सब का हमको मिक्सचर बना लेकर रख लेना चाहिए और टाइम टू टाइम जो हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उसमें हम इनको ऐड कर सकते हैं. तो इस तरह से कुकिंग टिप्स में हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस हो सकती है. ईटिंग हैबिट्स जो है और साथ ही साथ लाइफस्टाइल. देखिए केवल भोजन या केवल न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होगा. इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल हेल्थ. तो टोटल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमको अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने की आवश्यकता है. जैसे कि पूर्व में सर ने कहा था, चेयरमैन सर ने, कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं. ईट वेल लिव वेल. अगर आप अच्छा लेंगे भोजन तो आप अच्छे से जीवित स्वस्थ रूप में जीवित रहेंगे. जैसे बजटिंग की बात हमने पूर्व में की, तो बजटिंग में हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली देखना है कि किस तरह से हम अपने बजट में लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपी को इनकल्केट कर सकें. इसके लिए कुछ और तरीके हैं, कुछ और स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम अपना सकते हैं. जैसे ईट आउट लेस. अभी COVID-19 में बहुत समय हम लोग लॉकडाउन में रहे तो हमने ये देखा कि बहुत सारे हम लोगों ने YouTube में रेसिपीज देखी और बहुत सारी रेसिपीज हमने बनाई. तो इस तरह से इसको, इस प्रोसेस को हमको आगे भी लागू करना है, क्योंकि हम घर में भी बाहर के जैसा फूड बना सकते हैं, which will be less expensive, which will be more healthier, which will be more hygienic and more fresh. So, हमको ये भी strategy देखना है. इसके अलावा जब हम shopping के लिए जाते हैं तो frozen dinner package, pasta packages, ऐसे pre-cooked package लेकर आते हैं. They also cost very much. तो ये भी बहुत expensive होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. हमको हमेशा fresh food ही प्रेफर करना चाहिए. सिंपल एंड हेल्दी रेसिपीज को हमको एंजॉय करना चाहिए. घर में हम जैसा ही कन्वीनियंस हमारे जैसा रहता है और जितना भी हमारा स्पेशल ओकेजन्स की ईटिंग्स होती हैं, इन सब को भी हम सिंपल और हेल्दी रेसिपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ग्रोसरी की लिस्ट बना लेना और प्लानिंग पहले से कर लेना, ये सब तरीके जो होते हैं ये हमको ईट राइट में हेल्प करते हैं. ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे डबलिंग द रेसिपीज है, लेफ्ट ओवर्स हैं, जैसे सब्जी वगैरह हैं, भाजियां वगैरह हैं, अगर वो बच जाती हैं तो हम मॉर्निंग में उनका स्नैक्स बना सकते हैं, इनके कटलेट्स बना सकते हैं, इनके वो पराठे बनाए जा सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमको ध्यान में रखना चाहिए. जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो हमको हमेशा कंपेयर करना चाहिए प्राइसिंग को और उसके हिसाब से हमको शॉपिंग करना चाहिए. जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग करते हैं तो डोंट गो फॉर द एक्सपेंसिव वन, ऑलवेज गो फॉर द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और साथ ही साथ वो चीप भी होते हैं. तो इस तरह से बजटिंग का जो फैक्टर है वो हमारा पूरा हो जाता है. अब आता है ईट राइट विद द मेथड्स ऑफ कुकिंग. देखिए बहुत सारे हमने वेबिनार्स कर चुके हैं,
बहुत सारे हम न्यूट्रिशन की बातें कर चुके हैं और किस में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ें लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ कुकिंग। इंडिया में हमारी जो मेथड ऑफ कुकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हम लोग तला भुना और बहुत ओवर कुक्ड फूड खाना पसंद करते हैं। इसलिए चेंज द वे यू प्रिपेयर द फूड, फैट्स एंड ऑयल्स का प्रयोग हमको कम करना है। मेथड्स ऑफ कुकिंग में हमको बॉइलिंग, स्टीमिंग, एयर फ्राई की तरफ जाना है, ग्रिलिंग की तरफ जाना है, डीप फ्राई को हमको अवॉइड करना है। टेस्टी और फ्लेवरफुल फूड बनाने के लिए हम हर्ब्स एंड स्पाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, लो फैट सीजनिंग का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होल ग्रेन्स फूड हैं जिनको हमको डेली अपने डाइट में इंक्लकेट करना चाहिए। अगर हम सीरियल्स का कुछ स्नैक्स बनाते हैं या कुछ डेजर्ट बनाते हैं तो ज़रूरी उसमें आप फ्रूट्स को ऐड करिए, जैसे एप्पल है, बनाना है, पाइन एप्पल है, इस तरीके से हम टॉपिंग्स के रूप में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रूट्स को हम इंकल्केट कर सकते हैं, जो कि बच्चों को भी फिर अट्रैक्ट करता है और डाइट को टेस्टी बनाता है। बी वाइज, हमेशा हमको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम फूड बना रहे हैं या जो भी न्यूट्रिशन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हमको बहुत ही वाइजली ये काम करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी फूड बनाते हैं, फूड आइटम बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि किस तरह से आप इसको मोर न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फूड सिक्योरिटी नहीं, आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने का प्रयास करें, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कद्दू की सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें मूंगफली डाल दीजिए, या आपने मूंगफली भूंज कर ग्राउंड करी तो किसी भी पालक में आप डाल दीजिए, तो आपको कहाँ विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ प्रोटीन भी हो जाएगा। प्लान शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल, प्लान शुड बी ऑलवेज इकोनॉमिक। जब कभी भी हम फूड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो इट शुड बी इकोनॉमिक। मिक्स एंड मैच, देखिए ड्रेसेस के बारे में हम बात करते हैं तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच की तैयारी में रहते हैं। आप बहुत ही जनरल बात है, टेक्निकल नहीं लगती, लेकिन ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है। आप इमेजिन करिए, आप जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने को ऊपर से नीचे तक टिप टॉप रखते हैं हम सभी, लेकिन हम क्या अपने फूड को इतना टिप टॉप रखते हैं, क्या हम ईट राइट कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिक्स एंड मैच करने का मतलब ये है कि आप देखिए कि कहाँ आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, तो हम किस तरह से उसमें प्रोटीन्स को इंकल्केट कर दें, या अगर आप सीरियल्स ले रहे हैं तो उन सीरियल्स को पल्सेस के साथ मिक्स करें, ऐसी रेसिपी बनाए, तो उससे ये होता है कि जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, फाइबर कंटेंट बढ़ जाते हैं। वैल्यू एडिशन में भी वही चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताया। मेक मिक्सेस, जैसे कि क्लोव्स हैं, सिनेमन है, ब्लैक पेपर है, फेनुग्रीक सीड्स है, इनके मिक्सेस बनाकर हमको रखना चाहिए अपने किचन में, जिसको हम टाइम टू टाइम चीज़ों में डाल सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन की बड़ी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट ने बहुत कम रेट में और फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चे अगर सोयाबीन की बड़ी पसंद नहीं करते, उसको मिक्सी में आप पाउडर बना लीजिए, पाउडर बनाकर आप उसको पोहे में डाल दीजिए, आप उपमा में डाल दीजिए, आप इडली में डाल दीजिए, आप डोसे में डाल दीजिए, तो आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेम्बर माइंडफुल ईटिंग। अब हम ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, तो हमको ईटिंग हैबिट्स चेंज करना होगा। इसमें क्या है, रेगुलर ईटिंग शेड्यूल होना चाहिए फैमिली में, हमेशा ईटिंग शेड्यूल जो है वो रेगुलर होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ईट टुगेदर विद द फैमिली मोस्ट ऑफ द वीक, ईट बिफोर यू गेट टू हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगने से पहले ही हमको भोजन कर लेना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट स्किप ना हो, ब्रेकफास्ट हमारा हमेशा चाहिए, पेट भरने से थोड़े से पहले ही हमको अपनी ईटिंग स्टॉप कर देना चाहिए। लेट नाइट ईटिंग को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है, स्टॉप कर देना चाहिए हमको। जब कभी भी हम प्लेट लेते हैं, आपके
एक साइड में ग्रीन कलरफुल सैलड्स होना चाहिए. बच्चों को ही ईटिंग हैबिट्स में डाल दीजिए कि लेट देम काउंट द कलर्स, कितने कलर्स आज आपने खाए. तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनकी हैबिट हो जाती है कलरफुल डाइट लेने की, विच आर रिच इन ऑल द विटामिन. ईट राइट बाइट बाई बाइट, च्यू स्लोली, बहुत आराम से चबाते हुए खाना है. ये बहुत हमारे दादी नानी लोगों के समय से कहने वाली बातें हैं जिसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बट इसमें साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो एमाइलेज होता है माउथ के लार में, जो सलाइवा में जो एमाइलेज होता है, जब हम धीरे धीरे मुंह में रखकर उसको खाते हैं तो एमाइलेज जो होता है वो उसमें आ जाता है, इट इज़ अल्कलाइन, और इस तरीके से वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. बच्चे जो हैं वो मील के साथ सोडा लेना पसंद करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं, उसको अवॉइड करके हम उसको सब्स्टिट्यूट में लो फैट बटर मिल्क, इस तरीके की चीज़ें ऐड कर सकते हैं. फ्लेवर्स और टेक्सचर पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी फूडी एंड वेरी चूजी ऑल्सो एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न, टेक्सचर इज कंसर्न. तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम न्यूट्रिशियस फूड तो लें लेकिन हमारा टेस्ट जो है वो वाकई बराबर उसमें बना रहे. लो कैलोरी लंच हमको अपने पैक में लेकर जाना चाहिए जिससे कि हम अगर वर्किंग हैं तो हमारा जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल फिट और एक्टिव बना रहे, जिससे हम लेजीनेस जो है वो हमें ना आए. फिर हम देखते हैं और बच्चों का जो लंच पैक है वो भी दो बैग्स होना चाहिए. ब्राउन बैग का मतलब ये है इट इज फुल ऑफ फाइबर्स, फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. कीप ऑल द टाइम वी हैव टू कीप हाइड्रेट आवरसेल्व्स विद छास लस्सी. अगर हम सोचते हैं तो वी कैन इनकल्केट, वी कैन प्रिपेयर स्मूदीज ऑल्सो एट होम. जो चीज़ें हमको हमारे बच्चों को बाहर अट्रैक्ट करती हैं थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाकर हम इसको घर में ही बना सकते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी मच, मेडिटेशन, फैमिली गेम्स एंड इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलप हॉबीज, दीज आर द टिप्स फॉर द ईट राइट. अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम आहार की को एक सुरक्षा चक्र के रूप में यूज कर सकते हैं. देखिए COVID-19 का सब बहुत ज़्यादा डरे हुए और परेशान है क्योंकि ये के केसेस जो हैं वो अभी भी कंट्रोल में जा रहा है और आगे इनको बढ़ा सकता है. इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वाटर, ये चीजें जो हैं ये इट इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ. ये हमारे इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन के आधार पर जो सजेस्ट किया है उन्होंने, रिकमेंड उन्होंने जो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें सेलेक्ट वेजिटेबल्स एंड मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स, ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक फूड ग्रुप्स हैं जो हमको डेली बेसिस पर अपने डाइट में इंकल्केट करना है. अगर हम उनको सुविधा के दृष्टिकोण से देखें तो हम और उसको डिवाइड कर सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स जिसमें सारे ग्रेन्स मिलेट्स स्टार्ची फूड्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं. देखिए हम यूजुअली या तो रोटी लेते हैं या फिर चावल का प्रयोग करते हैं सीरियल्स में, लेकिन भी ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है. जो पुराने ज़माने में ज्वार बाजरा मक्के की रोटियां ये खाई जाती थी, हमको फिर से इसको वापस अपने ट्रेंड में लाना है. अपने आहार में हमको रिफाइंड फ्लोर को बिल्कुल भी निकाल देना है. तीन वाइट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके हमारे आहार में नहीं होना चाहिए या बहुत कम मात्रा चाहिए. जैसे शुगर है मिनिमम होना चाहिए, सॉल्ट है वो भी कम होना चाहिए, और वाइट रिफाइंड फ्लोर है उसको भी हमको कम मात्रा में लेना चाहिए, और हमको जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं वो बढ़ाना चाहिए. उसका एक प्रमुख कारण मैं आपको बताऊँ, हमको 30 ग्राम्स फाइबर्स की आवश्यकता होती है. फाइबर्स जो होते हैं दे आर प्रीबायोटिक्स एंड दे आर फूड फॉर द प्रोबायोटिक्स. नाउ प्लेट पावर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि माय प्लेट को हमको देखना है. तो दे आर सम ईटिंग हेल्दी टिप्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू. जैसे कि अभी हम कार्बोहाइड्रेट और होल ग्रेन्स की बात कर रहे थे, पर डे हमको 4 to 5 सर्विंग्स इसकी लेना चाहिए.
प्रोटीन पैकेज का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको और ज़्यादा प्रोटीन क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बिकॉज यू नो हमारा जो वेजिटेरियन प्रोटीन है डज नॉट कम्प्लीट प्रोटीन, इट डज नॉट बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर अवर बॉडी, मतलब फुली बायोलॉजिकली अवेलेबल। सो हमको मिक्स एंड मैच करके पल्सेस का प्रयोग अधिक करके, सोयाबीन का प्रयोग करके, मशरूम्स का प्रयोग यूज़ करके हमको प्रोटीन पैकेज पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी फैट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू IDA हम 3 चम्मच पर पर्सन, 3 चम्मच हम वेजिटेबल ऑयल और 1 चम्मच हम घी प्रयोग में लाते हैं। घी का प्रयोग हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमको घी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज द रीसेंट फोटो फ्रॉम NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR माई प्लेट फॉर द डे। इस चित्र को देखकर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमको हमारी हाफ ऑफ द प्लेट जो है वो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से फुल होना चाहिए। अबाउट 500 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी हैव टू कंज्यूम पर डे। इसके बाद नंबर आता है सीरियल्स का और सबसे कम मात्रा में हमको फैट्स एंड ऑयल्स लेना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नट्स एंड सीड्स का प्रयोग हमको करना है। सीड्स एंड नट्स में जो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर लो इनकम ग्रुप हैं तो उनको बहुत एक्सपेंसिव में जाने की आवश्यकता नहीं है। पम्पकिन सीड्स आप घर में बना लीजिए, पम्पकिन सीड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके अलावा जो मूंगफली है, पीनट्स हैं, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। दिस इज द इंडियन ट्रेडिशनल थाली, एंड अगर आप पुरानी इंडियन ट्रेडिशनल थाली को देखेंगे तो उसमें से पूड़ी हटा देंगे और थोड़ा सा तेल और स्पाइसेस हटा देंगे तो काफ़ी मात्रा में ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ नज़र आता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू एडिशन। जब हम कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं, कोई भी फूड बना रहे हैं, सिंपल अगर हम रोल बना रहे हैं तो हम उसमें उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हम उसमें जो उसकी ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें और न्यूट्रिएंट को ऐड कर दें। जैसे कि अगर हम चावल का चीला या बेसन का चीला या कोई चीला बना रहे हैं तो हम उसमें बहुत सारी बारीक कटी हुई पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, या फिर हम ग्रेटेड गाजर डाल सकते हैं, या फिर हम पनीर डाल सकते हैं। अगर हम इडली सर्व कर रहे हैं, इडली में भी हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, हम उसमें बीटरूट डाल सकते हैं, हम उसमें कैरेट डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं जिनको हम इनकलकेट कर सकते हैं। ओट्स इज़ वेरी गुड बिकॉज इट इज़ हाई इन फाइबर्स। तो ओट्स की भी हम लॉट्स ऑफ वेराइटी, एक ही वेराइटी का हमको नहीं बनाना है, उसको हम को अपना स्किल और यूज़ करना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है और उसको अलग अलग तरीके से उपयोग में लाना है। एड कलर्स इन द फूड, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी ड्रेसेस में कलर्स हो, हमारी लाइफ में कलर्स हो, तो उसके लिए हमको अपने फूड में कलर्स लाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं विटामिन के ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, विटामिन ए ऑरेंजेस, जितने भी ये डार्क ग्रीन एंड ऑरेंज कलर के फूड आइटम्स होते हैं उसमें, विटामिन डी जो है मशरूम्स में, मशरूम के अलावा हम दूध में, चीज़ में, एग फिश में पाया जाता है, विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, विटामिन ई जो है ग्रेन्स में पाया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं पूरे चित्र को, जितना कलरफुल हम अपना प्लेट रखते हैं उतना ही न्यूट्रिशियस हमारा डाइट होता है, वही हम ईट राइट के अंतर्गत आता है। हाई फाइबर होल ग्रेन्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम जो होता है ये बोन्स के लिए, स्केलेटन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि एक प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री के मणिपाल में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन अमंग द यंग, अमंग द पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमन, और जो भी हम कैल्शियम लेते हैं वो 5-10% कैल्शियम ही एब्जॉर्ब होता है।
और उन्होंने बताया था कि जो एग शेल्स होते हैं, एग शेल्स को यदि हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं और ऑटोक्लेव करके उसका पाउडर बनाते हैं और उसको अगर हम एक चम्मच अपने फूड में डालते हैं तो दैट कैल्शियम इज मोर एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी। इस तरीके से हमको कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए रिसर्चेस करना है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमको उस पर भी ध्यान देना है। वाटर के बारे में, वाटर हमेशा हमको हाइड्रेट रहना है, डिफरेंट फॉर्म में हमको वाटर लेना है। अभी COVID-19 का समय चल रहा है, आगे अलका मैडम आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताएंगी जिसमें हम देखेंगे कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज़ वगैरह, काढ़ा वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम पूरे समय हाइड्रेटेड रहें। सॉल्ट एंड शुगर का प्रयोग नहीं करना है। जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वो या तो ना ही करें और या बहुत कम मात्रा में हमको अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंजम्पशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक फॉर द हेल्दी गट। प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये आप स्क्रीन में देखेंगे कि ये जो होते हैं ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको रिमूव करना हमको बहुत आवश्यक होता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं दे आर लाइव बैक्टीरियाज, दे आर प्रेजेंट इन द गट, ये हमारे गट में रहने वाले लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। और प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो उनका फूड होते हैं। तो जब हम प्रीबायोटिक्स लेते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे गट में रहते हैं एंड दे आर गुड बैक्टीरिया एंड दे मेक द बैक्टीरियल फ्लोरा। और ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं दे आर गुड टू प्रोड्यूस सेरोटोनिन, दे आर गुड फॉर द टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। इसलिए जो प्रीबायोटिक्स है इनका प्रयोग हमको लेना है, करना है डेली। ये पाया जाता है योगर्ट में, ये पाया जाता है कर्ड में, हम छाछ में, लस्सी में, इनमें जितने फर्मेंटेड होते हैं, दो होते हैं ये, एक होता है लैक्टोबैसिलस लाइव बैक्टीरिया और दूसरा होता है बाइफिडो बैक्टीरिया। ये दोनों जो होते हैं ये प्रोबायोटिक्स के गुड सोर्सेज होते हैं। अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वॉच योर पोर्शन साइज। हमको अपना पोर्शन साइज वॉच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप उसके लिए क्या करें, यूज़ स्मॉलर प्लेट। जो हम प्लेट यूज़ करते हैं वो छोटी कीजिए, जो कटोरियाँ यूज़ करते हैं वो छोटी लीजिए। इससे क्या होगा, जो हम एक्सेस ले रहे हैं, जो हम एक्सेस फूड ले रहे हैं वो हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी प्लेट है, इससे पहले भी मैंने आपको NIN की प्लेट दिखाई कि हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रेस्ट हाफ में हम बाकी चीजों को लें। इस तरीके से हमको बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड टेस्ट एंड कॉस्ट, ये तीनों चीजों का बैलेंस बनाकर रखना है। पोर्शन साइज के बारे में बताते हुए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, सजेशन देना चाहती हूँ। कभी भी आप स्वीट लेते हैं जो कि मिठाइयाँ जैसे हैं, तो हमेशा ऐसे करिए कि उसको शेयर कर लीजिए, उसकी जो एंट्री है उसको शेयर करिए। जितना आप उसको शेयर करेंगे आप उतना ही कम खा पाएंगे। डोंट सर्व द सेकेंड, दूसरी बार आप लीजिए ही मत। इस तरीके से आप मिठाई की जगह फलों को दे दीजिए, इस तरीके से आपके मुंह में मीठापन भी आ जाएगा और आप हाई कैलोरी फूड लेने से बच जाएंगे। चॉकलेट्स हैं, ये चीज़ों को कम मात्रा में लेना बिल्कुल मना हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम इनको कम मात्रा में लें। और जो बफेट्स होते हैं, बफेट में क्या होता है कि सारी चीज़ें ओपन होती हैं, यू टेक योर प्लेट एंड उसमें आप चक्कर लगाते जाइए, जितनी राउंड आपको लेना है उतने राउंड लेते जाइए। इससे हम लोग थोड़ा टेम्पटेड हो जाते हैं और फलस्वरूप ये होता है कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ईट राइट की हमारी जो बात होती है वो नहीं हो पाती। सो ऑलवेज वॉच द पोर्शन साइज। तब हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे थे, तो मैं ये चित्र आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके से ट्रेडिशनल ढोकला है, इसमें हमने
तीन ट्राइकलर ढोकला बना दिया है, जिससे कि ये हो रहा है कि ऑरेंज कलर में हमने कैरेट डाल दिया, ग्रीन कलर में हमने उसमें पालक डाल दी। डोसा या चीला हम खाते हैं, उसमें हमने रागी का चीला बनाया है। जो आप अभी आप देख रहे हैं वो दूधी का थाली पीट, पोहा। पोहा इज वेरी कॉमन स्नैक्स इन आवर इंडिया, नॉर्थन रीजन में। तो हमको पोहा हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम पोहे को और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। पोहे को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम उसमें मूंगफली डाल सकते हैं, जो कि प्रोटीन रिच हो जाएगी। कुछ फ्रूट्स डाल सकते हैं, अनारदाना डाल सकते हैं इसमें। तो हमने कई बार गोभी और गाजर भी किसकर डाला है। तो इस तरीके से हम उसको मोर न्यूट्रिशियस और मोर रिच बना सकते हैं। लास्ट में लड्डू आया है। ये जो लड्डू है, ये जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं गार्डन क्रेस सीड। गार्डन क्रेस सीड इज, ये बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इनको हम स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, लेकिन इनके लड्डू बनाए जाते हैं। इट इज रिच इन आयरन। ये जो आयरन होता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इनको हम भूंज कर, बारीक कूट कर और गुड़ के साथ मिलाकर हम उसको लड्डू के रूप में बना सकते हैं। बच्चों को हम टिफिन में भी इसको इजीली दे सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू एडिशन, जिस तरीके से हम अपने डाइट को मोर न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और ईट राइट के कंसेप्ट को पूरा कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू ईट लोकल एंड ईट सीजनल। जो लोकल फूड होता है उसका प्रयोग ज़्यादा करिए, बिकॉज वो हमारे टेस्ट के करीब होता है, वो हमारे दिल के करीब होता है, वो हमको एक सेटिस्फेक्शन देता है। तो लोकल फूड जो होता है ना केवल सस्ता होता है, बल्कि हमको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी देता है। वही बात ईट सीजनल में है। डेवलप किचन गार्डन हमेशा। अब हमको इस बात पर भी ध्यान देना है, हम दिन भर अभी लॉकडाउन है और अभी हम लोगों ने अपना जो बाहर निकलना है, आउटिंग है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दी है। तो हमको मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा फिट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। किचन गार्डन डेवलप कर सकते हैं। अगर छोटी से छोटी जगह है तो हम गमले में भी किचन गार्डन बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं। वो हमको ना केवल न्यूट्रिशनली फिट रखेगा, बल्कि हमको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी देता है। सैचुरेटेड फैट का प्रयोग ना करें, हमको अनसैचुरेटेड फैट का प्रयोग करना है, तेलों का प्रयोग करना है। कोशिश करें कि फिल्टर्ड ऑयल यूज़ करें। फ्लेक्स सीड, ड्राई फ्रूट्स, पम्पकिन सीड का प्रयोग हमको करना है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिमिट योर स्क्रीन एक्सपोजर। हमको हमेशा भोजन जो है वो भोजन की टेबल पर या जो स्थान हमारे भोजन के लिए है उस पर ही खाना चाहिए। कभी भी टीवी देखते हुए भोजन नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी नॉर्मल भी हमको जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो अपना कम करना चाहिए। बिजी योर सेल्फ इन इनोवेटिव वर्क, जो बहुत ही इनोवेटिव वर्क्स होते हैं उसमें हमको अपने आप को बिजी रखना है। ये न्यूट्रिशन की बातें हो गई, लेकिन ये न्यूट्रिशन या ये ईट राइट हमारे लिए तभी सक्सेसफुल होगा जब हम तीन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। हरी भरी करी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत हड़बड़ाहट, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, ये तीन चीज़ें हैं, ये हमारे हेल्थ के दुश्मन हैं। ऑलवेज अवॉइड हरी भरी एंड करी। अभी इससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो हम यहाँ फेल हो जाएंगे। गाँव में हाइजीन प्रैक्टिसेस डेवलप करने में बहुत समय लगा, लेकिन कोविड की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए। आप चित्र में भी देख सकते हैं, मैं बताती हूँ, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स होना चाहिए, फूड स्टोरेज हाइजीनिकली होना चाहिए, कुक फूड को बहुत अच्छी तरीके से पकाना चाहिए, जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से धोना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड चीज़ों को अलग रखना चाहिए, सिंक एंड ओवन हमेशा हमारे साफ होना चाहिए, और क्रॉस कंटेमिनेशन को हमको अवॉइड करना चाहिए। ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो पांच फिंगर्स हैं हमारे हाथ की, उन्होंने पांच तरीके बता दिए कि किस तरीके से हमको क्लीन वाटर पीना है, हमको टॉयलेट जाने और वहाँ खाना खाने से पहले हैंड क्लीन करना है, टॉयलेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए, जो किचन है इट शुड बी वेरी क्लीन, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको भी हमको दो भागों में डिवाइड रखना चाहिए, जो फ्रेश है वो अलग और जो ड्राई है वो अलग। इस तरीके से हाइजीन प्रैक्टिसेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने जैसे कि बात की थी अभी किचन गार्डन की, क्योंकि क्या होता है कि केवल फिजिकली केवल आप न्यूट्रिशन की बात करके बात को समाप्त नहीं कर सकते, हमको मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है। तो हमको गार्डन में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, गार्डनिंग करना चाहिए, बीजों को डालिए उसमें, उसको उगते हुए देखिए। तो किचन गार्डनिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, वो ना केवल फिजिकली बल्कि हमको मेंटली भी बहुत ही फिट रखता है। इन्वॉल्व रोल द फैमिली इन सब फैमिली गेम्स। हमेशा कोशिश करिए कि दिन में एक बार आधे घंटे के लिए पूरी परिवार बैठ के चाहे कोई भी गेम खेले, चाहे कोई भी चर्चा करे, ये हमको साइकोलॉजिकल बूस्टिंग देता है। एक्सरसाइज एंड योगा, यंग जो बच्चे हैं उनको साइकिलिंग के लिए बोलिए, उनको एक्सरसाइज करिए, जो ओल्ड लोग हैं वो योगा की तरफ करें। और लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ये हमको मेंटली काम करता है और हमारी बॉडी को एक बूस्ट देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक रिदम देता है। इसलिए मेडिटेशन जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। So thank you so very much. Eat right, bite bye bye. Thank you. Thank you everyone. Hello. Hello. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो डाइट से रिलेटेड थी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ प्रीति मैम आपका वीडियो नहीं ऑन है, तो वीडियो आप ऑन कीजिए। और इसी के साथ मैं प्रीति मैम वीडियो शो नहीं हो रहा है, आप एक बार रीजॉइन कीजिए, एक बार लेफ्ट करके रीजॉइन कीजिए। और इसी के साथ मैं हमारे नेक्स्ट एमिनेंट कीनोट स्पीकर को वेलकम करने से पहले आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि यदि किसी भी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर नेक्स्ट कीनोट स्पीकर डॉक्टर अलका मोहन चिटाली। प्लीज़ मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच Dr. Bharti ji, Rawat College ke chairperson, and my greetings to the other speakers and to the delegates who have joined the webinar. And aaj hum this Rashtriya Poshan Saptah ke upalaksh mein bhi aap sabko shubhkamnaen dete hain. So mera kaam kafi aasan kar diya hai. Dr. Rashmi ji ne unne kafi kuch खाने पीने के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में बताया है। मेरा जो टॉपिक रहा है उसको इज इट विजिबल, क्या वो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? ओके, सो द टॉपिक for my talk is diet to improve immunity and diet for the vulnerable group. Basically, because being a dietitian, I would just talk a little bit about COVID patients in hospital and otherwise. So, jaise sabne kaha ke nutrition week and nutrition jo hai wo importance, hame ye jo saptah diya gaya hai jo hum saal mein manate hain, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव से कि हम अवेयरनेस फैलाएं न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, कि वो हेल्थ में किस तरह लाभदारी है। सॉरी मैम, सो व्हिच हैज एन इंपैक्ट, आई इंटरप्ट यू, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको आप स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड पे ले आइए। फुल स्क्रीन मोड, ओके। Is it all right now?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो जैसे आप तो हम बात कर रहे थे कि ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है एंड हमें सारे देश में सब पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत के बारे में कि कैसे वो हेल्थ से रिलेटेड है और कैसे उसका इम्पैक्ट होता है नॉट जस्ट ऑन हेल्थ बट ऑन डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अल्टीमेटली नेशनल. तो अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले मन की बात में इसके बारे में चर्चा करी थी कि ये न्यूट्रिशन मंथ कितना इसका गहरा संबंध है और जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बात करी कि यथा अन्न तथा मन सो उसका किस तरह से हमारे जीवन पे असर है तो उसके बारे में फिर उन्होंने अगर आप देखेंगे फल सब्जियों की और पोषण के लिए जो पौधे हैं किचन गार्डन्स पे भी ये भी एम्फसाइज करा है. इसके साथ साथ उन्होंने एम्फसाइज किया कि किस किस ग्रुप्स में हमें ज़्यादा ध्यान देना है. बच्चों के ग्रुप में जो मैल नरिश्ड हैं उनके ग्रुप में एडोलेसेंट में जो 1000 डेज ऑफ लाइफ है उस पर एम्फसिस करना है. फिर उन्हें एक बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया कि जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उसी प्रकार एक न्यूट्रिशन मॉनिटर भी बनना चाहिए और इसी प्रकार एक रिपोर्ट कार्ड न्यूट्रिशन कार्ड हो जिससे कि बच्चों को बड़ों को सबको एक प्रोत्साहन मिले कि पोषण का जो इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाए. अब हम कहना चाहूँगी कि बैलेंस न्यूट्रिशन तो हमें हर वक्त ही हम कहते हैं बट इस पैंडमिक के दौरान भी it is much more required because we understand that no food or nutrition can provide as many nutrients or micronutrients or antioxidants as a diversified food. Hum soche ki sirf ek hi khane pe hum dhyan de usse hame taakat ya usse immunity ya usse bhi jayegi wo galat hai. It's a complete thing. So jaise Dr. Rashmi ne bhi pehle bataya ye model plate hai जो ICMR NIN ने इलस्ट्रेट करी है जिसमें बताया गया है कि आपकी जब आप घर में खाना खाते हैं तो आपकी प्लेट में किस तरह से प्रोपोर्शन होना चाहिए चीज़ों का. सो दिस इंडिकेट्स दैट फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स फॉर अ 2000 कैलोरी कितना कितना होना चाहिए और हमें हर चीज़ों का जैसे हमारा देश डाइवर्स है इसी तरह हमारा पोषण भी हमारा खान पान भी डाइवर्स डिफरेंट ग्रुप्स में से हमें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट तत्व मिलते हैं तो तभी एक जाके एक संतुलित आहार बनता है. सत्य बात हम सुरक्षा चक्र की या इम्यूनिटी की. नाउ वी ऑल नो दैट फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ आवर बॉडी बट सर्टेन फूड्स आर सेट टू बी एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बूस्ट इम्यून सिस्टम बट देर इज नो वन सिंगल फूड That does it all. We have to understand. Being a scientist, hum log, we have to be evidence-based. Hum sirf kisi ke myth, kisi ke fads mein nahi jaate, but we would prefer that if it is evidence-based. So as per the various research studies, immunity is built up over time. So does a daily intake of variety of nourishing and wholesome foods along with healthy lifestyle is necessary. Hum soche, aaj bas hum ye kha le, to हमें प्रोटेक्शन हमारी इम्यूनिटी हमारा ये बूस्टअप हो जाएगा. जैसे आजकल के यंगस्टर्स भी सोचते हैं कि हम जिम चले जाएं हमारी मसल्स बन जाएं हम विल बी बेटर ऑफ बट इट शुड बी अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम अपना बैलेंस डाइट लेंगे हम उस पर लाइफ स्टाइल पर अपना ध्यान देंगे. जैसे डॉक्टर रश्मि ने पीछे बताया कि लाइफ स्टाइल में इट्स नॉट जस्ट फूड बट फूड फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिस पे मैं भी थोड़ा सा चर्चा करूँगी. सो वॉट एग्जैक्टली इज इम्यूनिटी पहले तो हम ये समझना चाहेंगे. इम्यूनिटी इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम एंडोव विद द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड टॉलरेट वॉट बिलोंग्स टू द सेल. कहता है कि ये मेरे सेल्स हैं सब कुछ तो उसकी कैसे सुरक्षा करनी चाहिए and rejects whatever is foreign. जो भी non-self है जो भी हमें कीटाणु या कुछ भी हो even अगर कोई transplant होता है
तो अगर कोई नया चीज इम्प्लांट करी जाती है तो उसके लिए भी शरीर उसको सोचता है कि ये फॉरेन बॉडी है, तो उसको भी वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट करता है, तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए हमें फिर दवाइयां देनी पड़ती हैं। सो इम्यूनिटी कैन बी, आई विल नॉट गो डिटेल्स, बट हमें समझना चाहिए कि एक इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इननेट मतलब जो ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट वी आर बॉर्न विद, जैसे स्किन है या और चीजें हैं। एक्वायर्ड है जो इम्यूनिटी दैट डिवेलप्स ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, सो दैट कुड बी आइदर एक्टिव और दैट कुड बी पैसिव। नाउ द एक्टिव मीन्स इट डिवेलप्स इन रिस्पॉन्स टू अ इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, तो दैट कुड बी आइदर नेचुरल, जैसे एंटीबॉडीज डिवेलप हुई इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन, आपको सपोज चिकन पॉक्स हुआ है, कुछ हुआ, तो आपकी एंटीबॉडी होगी, और आर्टिफिशियल दैट इज एंटीबॉडीज दैट आर डिवेलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। Coming to the passive immunity, now this develops after you receive antibodies from someone or somewhere else. This could be natural or it could be artificial. Natural means you receive it from your mother when you are in the womb or through the breast milk. Artificial is antibodies received from medicine. They say medicine is antibodies, anti-injections, globulin injections through an infusion. So that is the artificial. तो ये तो बात रही कि इम्यूनिटी। नाउ व्हाट कैन वी डू टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। हम यही आजकल स्पेशली इस टाइम पे जो महामारी चल रही है, तो हर एक चाहता है कि हमें ये बीमारी से बचाव हो, हम बीमारी से बच सकें। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम इज नॉट जस्ट अ सिंगल एंटिटी, बट इट इज अ सिस्टम, एंड टू फंक्शन वेल इट रिक्वायर्स बैलेंस एंड हार्मनी। तो ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि एक चीज को बढ़ा दिया जाए, so it's a total system. So there is still much researchers don't know about the intricacies and the interconnectedness, so we have to understand that, but researchers are exploring the effect of diet, exercise, age, psychological stress and other factors on the immune response both in animals and in humans. So in some studies ya jo shodh karte hain usse yahi निष्कर्ष निकल रहा है कि जनरल हेल्दी लिविंग स्ट्रैटेजीज आर अ गुड वे टू स्टार्ट गिविंग योर इम्यून सिस्टम एन अपर हैंड। मींस अगर हम अपना लिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो दैट इटसेल्फ विल हेल्प अस इन गिविंग अ बेटर इम्यून सिस्टम। सो सिर्फ एक ही चीज से नहीं कि आज कर लिया, सो वी हैव टू, हमें अपनी ये सोच, हमें अपना ये लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर रश्मि कह रही थी ना, अब हमने हाथ धोना अब एक रूटीन में आ गया है, तो उसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल भी हमें चेंज करना चाहिए। ना क्या क्या फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट, जैसे हमने पीछे स्लाइड में बात करी कि डाइट, एज। ना विद एजिंग वी नो दैट इम्यून रिस्पॉन्स और कैपेबिलिटी बिकम्स रिड्यूस्ड and that is why they are more prone for infection. So tabhi kehte hain ab jaise covid ke time pe kehte hain ki jo elderly hain, aged hain, to unka zyada khyal rakhiye because they are more prone to infection. And many studies have concluded and showed that compared to younger people they contract more infectious diseases, whether it's respiratory infections, influenza or covid or pneumonia, and that can become the cause for mortality in these or death in these populations. So scientists have observed that the increased risk could be because of a decreased T cells, ya to thymus atrophy ho gayi hai, so fewer T cells are being produced, or the efficiency of the bone marrow has reduced, though it has not been completely understood. So there appears to be also, in addition to that, there appears to be a connection between nutrition and immunity. Now, how is that? A form of malnutrition known as micronutrient malnutrition, that is when a person is deficient in essential vitamins and trace elements, and this is usually seen in elderly. Kyun dekha jata hai? Because ya to wo kam khata, kisi morbidity, kisi disease condition, kuch restriction hai, उनके दांत नहीं है, उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, सो इन सब चीज़ों के कारण उनका खान पान जितना लेना चाहिए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है,
उससे कम लेते हैं. सो फॉर दैट रीजन दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलनरिश्ड है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर डिक्रीज इम्यून सिस्टम. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेस एंड इम्यून फंक्शन. सो साइंटिस्ट हैव एक्टिवली बीन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इम्यून फंक्शन. नॉट जस्ट द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, कभी मेरा एग्जाम है तो स्ट्रेस हो गया, नहीं, बट the long term, the constant frequent stressors known as the chronic stress, uska bhi unhone immune ke sath function dekhne ki koshish kari hai. Despite inevitable difficulties in measuring the relationship, they're still making progress and they feel that definitely it does affect our immune system. Coming to exercise, Rashmi ji ne is pe bhi thoda sa baat kari thi. Regular exercise is definitely one of the pillars of healthy living, and it improves not just the immunity, cardiovascular health, it lowers blood pressure, helps in controlling body weight, protects us against variety of diseases, and it also contributes directly by promoting good circulation and allows the cells and substances of the immune system to move freely in the body. So it also helps in the immunity. Now coming to diet and your immune system. Now scientists have recognized that malnourished persons are more vulnerable to infections. So now whether the increased rate of disease is caused by malnutrition effect on the immune system, however, is not certain. So there are still relatively few studies on the effects of immune system on humans. But still evidence, there is some evidence, kuch evidence hai that micronutrient deficiency hone mein, and especially that of zinc, selenium, iron, copper, folic acid and kuch vitamins jo antioxidants bhi hain, vitamin A, C, E and B6, they alter the immune responses in animals, and more assessment needs to be done in case of humans. So although some preparations have been found to alter the components, still more research is required. So now what can we do? Ab ye sochein ki karna kya hai. So if the diet, main thing is that if the diet is not providing adequate or recommended micronutrient needs, so we should improve our diet or take supplements, but taking mega doses is not of help. More is not better. इट शुड बी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमको लेना चाहिए, प्रेफरेबली थ्रू डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट. अगर वो नहीं पॉसिबल है देन थ्रू सप्लीमेंट. बट अगेन वन शुड बी कॉशियस इन नॉट ओवर डूइंग द थिंग. सो साइंटिस्ट डोंट नो फॉर एग्जाम्पल दैट वेदर द हर्ब्स दैट सीम्स टू रेज द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड एक्चुअली इज बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल इम्यूनिटी. So what are the various ways we can help? जैसे हमने बात करी healthy lifestyle होना चाहिए to strengthen our immune system. First line of defense is a healthy lifestyle. So not just a single best step you can take towards naturally keeping आपका सुरक्षा चक्र बढ़ाने के लिए. One is maintain your body weight. Second is eat diet which is rich in fruits and vegetables. Exercise regularly, drink alcohol if you have to, and that also only in moderation. वैसे आप avoid करें तो best है. Do not smoke, get adequate sleep, and take steps to avoid infection, such as washing hands, cooking food properly, and try to minimize stress. So attempting to boost the cells of immune system is complicated, and scientists have not been able to figure out what is the best mix of cells the immune system needs to function at the optimum level. But definitely the healthy ways definitely help to increase our immune system and prevent infections. So jaise baat Dr. Rashmi ne pehle hi kar chuki hai, the diet tips for immunity, whole grains ke upar, healthy protein sources, whether it's legumes, milk, healthy fats, fresh whole fruits and vegetables, vitamin and minerals, prebiotic, probiotic and spices.
So these should be part of your diet. ये कुछ table show करता है various nutrients, उसके food sources and क्या action है with regards to the immune system. Vitamin A, beta carotene, vitamin C, vitamin E, various minerals like zinc, selenium, copper and omega 3 fatty acids. So जैसे Dr. Rashmi ने भी बताया, my plate which helps prevent malnutrition and protects you from diseases. So खान पान के साथ, क्योंकि lifestyle की बात है तो सिर्फ खाना ही नहीं but de-stressing, coping with stress, क्या क्या कर सकते हैं, be active and stay hydrated. इसका डिटेल में, क्योंकि डॉक्टर रश्मि जी ने पहले ही बात करी है, so I will not go in detail about it. So now coming to the vulnerable group. तो ये तो बात की कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल से. बट अगर किसी को हो जाता है कोई, तो क्या क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट लेट्स कम टू फाइंड आउट दैट हु आर एट रिस्क, दैट हु आर प्रोन टू कॉन्ट्रैक्ट कोविड 19. फर्स्ट इज ओल्डर पीपल, जैसे हमने बात करी उनका वैसे ही इम्यून सिस्टम भी कम है, दे हैव कोमॉर्बिडिटीज, मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, sometimes it is seen that they are more malnourished, so they are more prone. Then another group, those who have pre-diabetes or are diabetics, they are also more prone for contracting COVID-19. Anybody who has any disease related to lung, whether it's lung pneumonia, lung disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, bronchitis, asthma, in a very severe state, they are also prone for. So they have to, all these people who are vulnerable and are at risk should be more careful. Not that others should not be, others should also be, but they have to be extra careful. Anybody who is suffering from cardiovascular disease, cerebrovascular disease, ya blood pressure jinko hai, ya cystic fibrosis hai, jo aapke lungs ko affect karta hai, in sab patients ko zyada dhyan rakhna hai. So what are the clinical features of COVID? Ek to inko different categories mein baanta gaya hai. Ek hai uncomplicated illness, mild, moderate ya severe illness. So uncomplicated mein to non-specific symptoms, jaise aap kai keh rahe hai na, kai to asymptomatic hi hai. Par jinko bahut hi halka, mild rehta hai, fever halka ho gaya, cough ho gaya, khansi, zukam, thoda naak band hai, headache rehta hai, या नोजिया वगैरह है, खाने में भूख नहीं लग रही या टेस्ट स्मेल नहीं आ रही, तो एक तो ये वाला ग्रुप है. दूसरा है माइल्ड मॉडरेट, जिनको इन सिम्टम्स के साथ साथ खांसी थोड़ी ज़्यादा है, सूखी खांसी है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है उनका, तो ये माइल्ड मॉडरेट ग्रुप है. फिर है सिवियर इलनेस, जिनको निमोनिया, लंग में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम हो गया, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक हो गया. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि हर एक को सेम नहीं होता है, हर एक का रिएक्शन टू द डिजीज इज डिफरेंट. सो अब अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट्स डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हम टाइमली इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर सपोर्टिव केयर एंड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट अगर अनकॉम्प्लिकेटेड या माइल्ड मॉडरेट में है तो वो बढ़ के सिवियर ना हो. सो अर्ली सपोर्टिव थेरेपी एंड मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. नाउ व्हाट आर दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन. सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल, बिकॉज ये इतनी खतरनाक महामारी है कि सबसे पहले किसी को हो जाए तो वो इतना घबरा जाता है, जैसे कैंसर की तरह, कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मेरा क्या होगा. तो साइकोलॉजिकली ही स्ट्रेस से ही, तो उसको डेफिनेटली बताना है कि ये पार हो जाएगा, इससे निजात हो जाएगा आपकी दवाई, आपको सब कुछ से. एंड देन इन एडिशन टू दैट एनी स्पेसिफिक कंसर्न, कि क्या प्रॉब्लम है उसको ध्यान दिया जाए, कि कॉफ है, ऑक्सीजन सप्लाई का है, या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर डायबिटिक है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा तो नहीं होगी, तो उसके
उसके साथ साथ प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट्स. अगर बच्चा है तो डिफरेंट सपोर्ट चाहिए होगा, एडल्ट है या एल्डरली है तो डिफरेंट एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन. एंड वन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ दैट मेडिकल न्यूट्रिशन मेडिकल ट्रीटमेंट टीम एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट न्यूट्रिशन. अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इनटेक में असर करते हैं? एक तो एजेंट्स, दूसरा है क्लिनिकल कंडीशन, जैसे मैंने बात करी कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है. स्ट्रेस, उसके कारण एपेटाइट पर मतलब इफेक्ट हो जाती है या कम हो जाएगी, या अगर हॉस्पिटल में है तो उसको सिमिलर ही चीज़ें मिल रही हैं अपनी मनपसंद की नहीं है. क्वारंटीन में है तो उससे भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं इंटेक के लिए. सो न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एक्यूट फेज में, रिकवरी फेज में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है. अब आते हैं अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हो तो हमें तीन चीज़ों पर ध्यान. सबसे पहले उसके अंदर हम किसी चीज़ की मनाही नहीं करते हैं, बट वी से दैट आप पूरा खान पान लीजिए जो भी आप ले पाते हैं. सबसे पहले तो एनर्जी इनटेक एज पर आइडियल बॉडी वेट, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक जरूर लीजिए, क्योंकि देखा गया है कि जिनका प्रोटीन इनटेक कम है तो उसमें इम्यूनिटी थोड़ा कम रहती है, फाइट करने का कम रहता है. तो वी ऑलवेज से दैट ही टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन स्रोत के जो हमारे खाने अंदर हैं, जैसे दालें हैं, सोया है, दूध दूध से बनी चीज़ें हैं, अगर नॉनवेज लेता है तो लीन मीट्स एंड फिश है, तो उन सब का ज़रूर अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में तेल भी, किस तरह का तेल भी, उस पर ध्यान देना चाहिए. हाइड्रेशन पे बहुत एम्फेसिस है कि इंक्रीज फ्लूइड इंटेक डेफिनेटली लेना चाहिए, 3 से 4 लीटर तक जिस भी फॉर्म. पर हम कोशिश करते हैं कि पानी के रूप में, गर्म पानी के रूप में, नेचुरल चीज़ें, प्रोसेस फूड्स में हम जितना कम, जैसे प्रोसेस जूसेस या वो हम कम लेते हैं, पर नेचुरल पे ज़्यादा. प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, देन अवॉइड फूड विच आर वेरी हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे एम्फोसिस देते हैं कि मल्टीविटामिन्स, क्योंकि अगर इनटेक एडिक्वेट नहीं है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट लिया जाए, स्पेशली जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए और डी का. तो ये तो थे पेशेंट हु वर माइल्ड. जो पेशेंट सीवियरली सिक होते हैं या जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते. उनमें फिर अगर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है या वेंटिलेटर के थ्रू है, तो हमें एंट्रल न्यूट्रिशन ट्यूब के थ्रू, नाक के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, जिसको एंट्रल न्यूट्रिशन कहा जाता है, वो स्टार्ट करना पड़ता है, या पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दैट इज वेन के थ्रू. और वो तभी हम करते हैं जब एंट्रल न्यूट्रिशन बिल्कुल पॉसिबल. कोशिश हमारी यही रहती है कि एंट्रल न्यूट्रिशन से ही हम पेशेंट को खान पान दिया जाए. अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एक तो प्रेशर, क्योंकि पेशेंट लेटा रहता है या अनकॉन्शियस है, तो पेशेंट को टर्न करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर अल्सर, जीआई ब्लीडिंग या स्ट्रेस अल्सर्स ना हो जाए. तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को ज़रूर एंट्रल न्यूट्रिशन के थ्रू 24 या 48 घंटे के बीच बीच में ही, जब पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उसका शुरू कर देना चाहिए. कम ले पर ले जरूर, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखा गया है कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन हेल्प रिकवरी फास्टर, आईसीयू स्टे कम हो जाता है, अदरवाइज सिवियरिटी से उसका रिकवरी स्लो होने के चांसेस. ये एस्पिन एंड एस्पिन एक गाइडलाइंस हैं, दीज आर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड एंट्रल न्यूट्रिशन या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड एंट्रल न्यूट्रिशन है जो गाइडलाइंस बनाई है क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए, एंड द सेम आर फॉलोड टू बी फॉलोड फॉर सिवियरली इल कोविड पेशेंट. सो इसमें बताया गया है कि हमें कितने
अमाउंट ऑफ एनर्जी देना चाहिए, कितना प्रोटीन देना चाहिए. तो यूजुअली हम कहते हैं 27 से 30 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी फ्लूइड के थ्रू जो हम नाक की नली एंट्री न्यूट्रिशन देते हैं उससे हम दें. पर अगर इमीडिएटली ना देखें तो इट शुड बी प्रोग्रेसिव फेज. पहले 10 कैलोरी से शुरुआत करी जाए, पेशेंट टॉलरेट करे, फिर 15-20, तो इसी तरह से धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए. सिमिलरली प्रोटीन इनटेक भी हमें 1 से 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पेशेंट को डेफिनेटली देना चाहिए. बिकॉज कई चाइनीज स्टडीज़ भी आई हैं जिन्होंने दिखाया है कि अगर सीरम एल्बुमिन कम रहता है तो पेशेंट की रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है. फिर विटामिन ए सी डी शुड बी गिवन एज पर दी आरडीए. और कई बार जो भी पेशेंट्स वेंटिलेटर या एक्सट्यूबेट करते हैं तो इनको स्वॉलोइंग में निगलने में मुश्किल होती है. तो क्राइटेरिया के अनुसार हमको एप्रोप्रिएट टेक्सचर देखते हुए इनको फीडिंग. इसके साथ साथ ये तो पेशेंट जो हॉस्पिटल पर जो पेशेंट क्वारंटीन पे है उसको खान पान के साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. दे से कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्थी एंड मेंटेन एक्सरसाइज. और एटलीस्ट आधा घंटा अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे, बिकॉज इट हेल्प मेंटेन फिटनेस, मेंटल हेल्थ, मसल एंड बॉडी पावर. तो वो बहुत ज़रूरी है. बेशक आप योगा करें, बेशक आप सिंपल एक्सरसाइज जो आप करते हैं, डांस करें, कुछ भी करें, बट करिएगा अपने घर के छोटे छोटे काम, जैसे डॉक्टर रश्मि बता रही थी पौधे लगा रहे, गार्डनिंग कर रही. वो तो वॉट आर द चैलेंजेस अगर हॉस्पिटल सेटिंग की बात करी जाए तो एक तो वार्ड एनवायरनमेंट चेंज होता है. अगर आप देखेंगे पहले एक वार्ड में पेशेंट से बात करी जा सकती है, अब ये पूरा मास्क पीपी पहन के पूरा गियर पहन के पेशेंट के पास बात करना पड़ता है. फिर उसको सुनाई, उसको जोर से बोलना पड़ता है कि वो सुन पाए. और कई बार जो चश्मा होता है वो फॉगी हो जाता है, तो कई बार दिखाई कि हम हाथ उसके अंदर नहीं कर सकते. तो दीज टू चैलेंजेस हमारा इंटरेक्शन विद द पेशेंट. फिर फूड डिलीवरी में स्टाफ जो जाता है खाने देने के लिए, यूटेंसिल्स, तो वो भी आजकल एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर आया है कि स्पेसिफिकली बायोडिग्रेडेबल वो यूज करते हैं. अब टेस्ट एंड स्मेल करके भी पेशेंट का इनटेक पुअर हो जाता है, उसकी मनपसंद की चीज़ कई बार नहीं होती है उस करके. तो इसलिए न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट हैज़ टू बी डन फॉर द पेशेंट, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ वे जिससे मिनिमम वायरल ट्रांसमिशन. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में कि पहले पूछना कि पेशेंट खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, क्या उसकी स्टेट है और उसको क्या पसंद है. तो ये सब चीज़ों में काफ़ी चैलेंजेस हैं आजकल, बिकॉज ये थोड़ा सा हटके है. इट्स नॉट द यूजुअल हॉस्पिटल सेटिंग जहाँ पे हम पेशेंट से बात करते थे और पेशेंट खा पाता था. सो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस. तो फूड डिलीवरी में भी पोजिशन की कि वो लेटा हुआ है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर पे है कि नहीं है, तो उससे भी प्रोन पोजिशन पे है कि नहीं है, तो उससे भी फिर उसका पूछना. वी हैव टू हाउ डू वी असेस. हम ना वेट कर सकते हैं, देन डिपेंडिंग ऑन एनालॉग स्केल या कंज्यूम पोर्शन, पूरा खाया, आधा खाया, एक चौथाई खाया, उसके साथ वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि अगर 5 दिन से उसने नहीं खाया या कम खाया तो सिंड्रोम जिससे वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम. क्योंकि उस केस में अगर एकदम ही फीड करना शुरू कर देंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती. Sorry to interrupt so you, ma'am. So in conclusion, I would like to say that it is very critical to ensure nutritional needs and prevention, diagnosis, treatment of malnutrition included in the management of COVID patients, and follow all prevention strategies and maintain a healthy lifestyle. Jiske andar tino cheeze, exercise, diet, and good sleep is very, very important. So the key messages for a healthy eating, I would just like to re-emphasize again, क्योंकि हम सोचे कि हम किस तरह से इस महामारी से बचाव कर सकते हैं
माय हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी हिते में चार मेजर चीजें आती हैं। वन इज डाइटरी डाइवर्सिटी, दैट इज ईट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस एवरी डे, प्लान योर मील्स ईच वीक, उसका ऑप्शंस घर में रखिएगा, लर्न कुकिंग स्किल्स। तो ये एक टाइम है कि आप अपने घर वालों के साथ इंटरेस्टिंग नए फ्लेवर्स, नए फूड्स और होम फूड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, मिनिमम फूड वेस्ट करते हुए, मील को शेयर करते हुए आप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ऑलवेज कंसल्ट अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन और अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वैक्स, सो मेनी मिथ्स, सो मेनी थिंग्स आर misinformation, because with the internet there is so much of information which is there in the market. So one should always consult a registered or qualified professional to get the guidance. So again, these are few tips, health tips, which I would just again like to reiterate. फिर से कहना चाहूँगी, breakfast पे emphasis, fruits and vegetables पे emphasis, portion size पे एक्टिव रहिए, फूड लेबल्स, अगर आजकल प्रोसेस या फूड बाहर से लिया जाता है तो फूड लेबल्स पढ़ना सीखिएगा, उसका क्या मतलब है वो ज़रूर समझिएगा, तो उसमें चीनी है कि नहीं, कितना तेल है, कितना सोडियम है, लिखा हुआ है कि वो लो कैलोरी है पर एक्चुअली में है कि नहीं है। फूड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करिए, एडिक्वेट वाटर का इस्तेमाल करिए, होम कुकिंग, बाहर खाने वक्त जैसे डॉक्टर रश्मि ने भी काफ़ी डिटेल पे बात करी, बिंज ईटिंग, गोल्डन ईटिंग अवॉइड करिए। आजकल क्योंकि सब लोग घर पे हैं तो जस्ट टीवी के सामने या कुछ नहीं है तो बस खाते ही रहे, वो ना करें, एंड रिफाइंड चीज़ों का जितना कम से कम सेवन हो वो करें, एंड माइंडफुल ईटिंग, एंड अगर सप्लीमेंट लें तो दैट हैज़ टू बी डन विद कॉशन। सो गुड न्यूट्रिशन डजंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टिव और ओवरवेलमिंग। तो मैं बार बार इसीलिए गुड न्यूट्रिशन का, कि कई बार सोचते हैं कि हेल्दी मतलब हमें अपने मनपसंद खाने का नहीं होगा, नहीं, इट डज नॉट मीन रिस्ट्रिक्टिव और ओवरवेलमिंग। स्मॉल गोल्स चेंजेस डू हैव अ क्यूमुलेटिव हेल्थ इफेक्ट, एंड एवरी लिटिल बिट और एवरी बाइट ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो इन एडिशन टू दैट, ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग कोविड-19 दिया है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगी क्योंकि हमारे नेक्स्ट स्पीकर इस पर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर मास्क, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर अलका मोहन चटानी मैम। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इनिशियली द नेट वॉज नॉट एक्सेप्टिंग माई फेस, सो आई अपेयर द सेम टाइम। आई थिंक द इंफॉर्मेशन वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, और बिकॉज टुडे इज आवर फोकस इज ऑन 360-degree अप्रोच to get immune system, proper immune system with the taste, nutrition. So both of our speakers, Rashmi ma'am, Alka ji, aap logon ne dono ne taste, nutrition, nutrients, diet, life modification or cooking skill. So it was 360-degree approach. The other element of this approach is, important element of these days is Ayurveda. Our प्राचीन हिस्ट्री, our प्राचीन informations, जो आजकल इस समय बहुत ही अपना एक important role play कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा weather भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन weather भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो network connection में कुछ problem हो, तो मैं invite करती हूँ हमारे जो अगले speakers हैं, प्रोफेसर के शंकर राव, कि आयुर्वेदा के बारे में जो herbs हमारे पास हैं, जो हमारे पास बहुत प्राचीन समय से हैं, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे बेसिक जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका उपयोग करके हम अपना इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करें। सो आई वेलकम डॉक्टर राव कि वो आए और हम सभी को बताएं कि किस तरह से हम हर्ब्स को यूज़ करके अपना इम्यून सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वेलकम प्रोफेसर राव, द माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू मैडम।
screen. स्पीकर ऑन कर दिया ना जी। गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम स्क्रीन दिख रही है मैडम आपको? सर हेलो, वन मिनट सर, वन मिनट। ओके ओके, शेयर किया है ना? हाँ बिल्कुल किया है मैडम, किया है। वहाँ दिख रहे हैं ना, शेयर कर दिया ना। सर नाउ विजिबल, आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड पे ले आइए। ओके ओके ओके, इट्स ओके। यस सर। ओके मैम, ओके। रिस्पेक्टेड चेयरमैन रावत पीजी कॉलेज and equally respected the principal, Professor Kutete madam, and Professor Preeti Bhattacharya madam, and Professor Rashmi madam, and Professor Alka madam, and my friends participants. So I'm thankful to the Rawat College and its organization because of I'm interacting with the you right now with the topic of basic herbs to improve immune system. I think this is the right topic for the present conditions, present in the present context, because of there is a big pandemic, COVID is going on in the country, and probably 36 lakhs of people they infected as per the government data. I think it's more than that of the data because of low immunity, we can say, and moreover, some people they have not been infected, still they got and they developed antibodies in their body. This is because of, that means they have been infected, but due to their high immunity, the immunity power, the disease was not exposed outside, but they got only the antibodies were developed in the body. So some, these are conditions, so that we're keeping that. Overall, my submission is to improve immune system at the present context. This is much more important. So keeping that only, I think that the organizers has been given this topic to me, and maybe I may try to justify the topic. So before that, I would like to give a few points here, that the factors that act negatively on immune system. Negatively on immune system. Because of what are the negatives other side, then what is the positive in other side? This we have to be analyzed here now, right now. So that I am giving a few points here regarding the factors that act negatively on immune system, especially in the context of right eat and bite by bite. Here the imbalanced diet, number one. The imbalanced diet means, we have to already, Professor Rashmiji mentioned that with the quotation of Bhagavad Gita, yatha, yatha yogya ahar, yatha yogya nidra. Yes, this must be required for self development of immunity in generally. And the same was mentioned by the director of Rawat College, that jaise bhojan vaise man rahega, sukhi bhojan sukhi man,
दुखी भोजन दुखी मन ये रहेगा इसलिए कि सो दैट द इम्बैलेंस डाइट वी शुड नॉट टेक एन इम्बैलेंस डाइट इन जनरली एज पर आयुर्वेदा द डाइट शुड बी कंसिस्ट ऑफ सिक्स रसास मधुर आम्ल कटु तिक्त कषाय रस शुड बी देयर दैट गिव्स ए वेरी गुड इम्यूनिटी टू द बॉडी इन जनरल टू प्रैक्टिस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ बैलेंस डाइट isn't it? So we should not go for the imbalanced diet and non-nutritional diet, etc., etc. And increase alcohol intake. So this has to be stopped. We should not take because of that alcohol, much more of alcohol is causing low immunity because of that restrict the organs. So that we should not go for the alcohol intake. Then irregular sleep. Yes, yes, Rashmi ji bataye the ki yatha yogya nidra. Because of we have to get good, a little bit, a little rise. This was our concept earlier. But now we are watching the TVs and mobiles, etc. till 2 o'clock like that, and again the next 10 o'clock that we are waking up. So irregular sleep should not be there. That gives much more physical changes in the body. We should not go with that one. Especially the high stress. This is a lifestyle nowadays. Everybody has life stress, including the child, play class child also. That high stress causing increasing of cortisol in the blood, so that causing further complications, so that we should not get exposed to the high stress and obesity. This is irregular metabolism or disbalanced metabolism due to obesity and going on eating because of process. Alka madam has been mentioned just now, and Rashmi also mentioned that now, because we should not take the much more going on eating. Okay, then chronic medication. We should not go chronic medication with the strong antibiotics. That also causing there may be disturb the immune system of the body. The dehydration, nowadays the research studies have been taking place. Due to for sophistication, we are decreasing the quantity of liquids, especially water, other things. So that may lead to the dehydration, sometimes cause the immune system that helps to destroy the immune system also. So keeping all these points here, we have to adopt a systematic system that is called the Dinacharya or Rudacharya to be adopted, and accordingly if we go properly so that we cannot infected with the other viruses or bacteria, we'll get good immune system in our body. So I'm coming to the point basically here. What is immunity in Ayurveda? Immunity means Vyadhi Kshamatva. Vyadhi means disease, and Kshamatva means a resistance against the diseases. The same is also called as a bala, we can say bal, or strength we can say. If we have good strength, we can go for any attempt in the universe, and no organism should not interfere in our biological body. So here, the Vyadhi Kshamatva means overall resistance to the diseases, number one. Number two, if we have good strength, that's certainly resistance to the diseases, and reducing strength of already manifested diseases. If we have diseases, that gives a reducing in the manifestation of the diseases, then prevention of the unmanifested diseases. This means the Ayurveda says there may swastha rakshanam, that we have to keep not to expose to diseases. So the same is here mentioned, that vyadhi utpada pratibandhakatvam, that means the prevention of the unmanifested diseases. These are things that, as we mentioned, we get with the proper strength of in our body. So the types of immunity, there are three types of immunity mentioned in the Ayurveda, or we can say strength, where the strength comes in generally. This is one is sahaja strength, that means the natural, just like Rashmi madam also mentioned, and Alka madam also been mentioned, that comes through the parents. See, the effect, very effective if a pregnant lady comes in generally. So she went for the antenatal checkup. At the time, the doctor should suggest that you take this much of quality of food so that your baby will grow in a proper way, isn't it? So that gives the proper natural immunity will come to the parents only, especially mother, isn't it? And that leads to the including chromosomal also. Isn't it? So that if your chromosomal does not defect, so you will have the don't get any diseases, etc., etc. The second is kalaja, time related to time actually, kalaja means. So
time in the early morning will get very good strength. When I come to the evening, the strength will be come down. The same thing happens the season also. In winter, we'll good have very good strength, isn't it? And summer, we lost all the things. At the age also, if we have youth, so that we'll get a good strength, even place also helps the kalaja immunity. Then yuktikruta immunity, that means acquired immunity. So how acquired immunity taking place? Just Madam Alka, Madam mentioned that acquired immunity. The acquired immunity will get by taking a proper food or vaccination and some other processes. Regarding acquired immunity, the Ayurveda mentioned much more things in generally, isn't it? And even Sahaja also, even Kalaja also. So I'm coming to the point right now. Here, three types of immunity we have to make a satmya to the how to build up the immunity in the body. Number one, with the suitable diet. The body requires a proper nutritious diet, so that suitable diet is required. Then exercise also required, and the rejuvenation, that is rasayana effect, isn't it? So rejuvenation is also, we have to go for rejuvenation also, so that we'll get the acquiring immunity for our physical body. The satmya means adapting to wholesome substances, the required substances, giving up, and unwholesome substances. That means adapting up to wholesome substances with that body requires, that has to be adapted, and giving up unwholesome substances which are not required for the body, like anidra, like alcohol, etc. That has to be giving up, to which the physiology has been addicted since birth promotes immunity. This is comes under the, if we follow the rules and regulations of diet, other things, etc., our body physiology has been addicted since birth, promote that causes immunity, that promotes immunity. Whereas the wholesome food to suit constitution and good digestion and proper formation of the body tissues, that is called pojas. If you take proper food that suits to the body, and that gives proper digestion, and proper digestion leads to the proper formation of body tissues, and that leads to the formation of strength of the body, that is so-called ojas, we can say. The ojas. Here, vyayama, the second part, daily exercise up to 50% of one's exertion capacity, that enhances digestion and removes toxins, which are toxins, so-called peroxides or free radicals, etc. That strengthens the tissue's metabolism, promotes immunity also. So if you go for regular walking in the morning or maybe evening, a regular exercise, that also boosts the strengthens the tissue metabolism, as well as the it promotes immunity also. So we have to go for even vyayama also. Vyayama, then rasayana itself indicating that rejuvenating the body, promoting the whole physiology, producing resistance against diseases both physically and mentally. So we must be, the rasayana drugs are called the very good immune boosters, physically as well as mentally also, so that one has to adopt the rasayana drugs which are safe, especially the herbal drugs, highly safe drugs, and definitely that boosters our immunity, that building positive state of mind and purification therapies like panchakarmas and helps, etc., that helps under the, comes under the rasayana. So the rasayana again, four types of has been given, and that comes into rasayana. So we have to adopt this one. Number one, ahara rasayana. Ahara rasayana means a good dietary habits. Then vihara rasayana, the proper daily routine, and achara rasayana, good conduct, day-to-day conduct, we have to follow that. Then aushadha rasayana, a use of immune-boosting drugs, especially the medicines, etc., that is called this one. So rasayana is much more important for the human beings, as a for the Vasudeva Kutumbakam, to get a good immune system of the body. So ahara rasayana means nutritious diet. We have to adopt nutritious diet and have a milk and ghee in diet. This is to be required. Timely eating. We are taking food in untimely, so that should not be there. So we should take, in timely eating should be practice in our day-to-day life,
and not less, not excess. If it is good, we have to take much more. Much more. If it is bad, we should not take less. Well, not like that. It should not be not less, not excess. Whatever your body requires, that much to be taken in generally. Then avoid preservatives, refined foods, and fried foods like pizza, burger, etc. In generally, the people are much more prone to the eating of the samosas, etc. The samosas are prepared with the oil. The oil is repeated and repeated. That oil is using repeated and repeatedly. That causing the repetition of the oil causing. That means the polymers of the oils, unsaturated oils, they become degraded in generally while repetition of cooking, and that ill toxic compounds, especially the TFA, trans fatty acids, etc., that causing a bad to the body, and that causing a reduce the immunity of the body also. So we should avoid such things which are available in the market, in the outside, in the footpath, etc., etc. Then Vihar Rasayana, timely work. We must be make a plan, timely work, and we have to take rest properly. We have to sleeping habits. This again, yoga nidra. We have to sleep properly. We have to make habits properly. So that comes from the Vihar Rasayana. All what you are doing in the day-to-day life, other than the medication, other than the eating. So that also helps in the building of the immune system and proper care of the body. We must care of our body, isn't it? If it is too cold, we should not wear the sweater, etc. So we should care properly our body and do regular exercises and no addictions. This comes under the Vihar Rasayana, we can say, or Vihar Rasayana. Rasayana itself is a resonating system. Then Achara Rasayana. What to Acharya means what? This is not Acharya, this is Achara. What to do or not, do's and don'ts, like that only. We should keep peaceful mind in generally and free from anger and ego. One quotation I would like to say here from Bhagavad Gita: only ego can kill the person. Krodhad bodhi sammoha, sammoha smriti vibramaha, smriti bramshad buddhinasha, buddhinasha pranashyati. This was the quotation of Bhagavad Gita. See, a small ego, anger, that makes kill of the person. So we should free from that anger. And good interpersonal relation. We have very good rapport with each other. Friends, we should not have any enemy. We should have good relationships. And respect the elders and teachers and preceptors. That also makes you make feel. That feel become, that boosts your immunity. And regular prayers and medication, that also helps your building of your conscious, your immunity, etc. Here, some rasayan drugs, which are natural rasayan drugs, we can say, that boost the immune boosters, we can say. Like amla, tulasi, pippali, haritaki, kuduchi, estimadu, brahmi, shankapushpi, and some compound drugs like chavanprash, brahmarasayan, loharasayan, amalika rasayan, vidangavaleha, tifla rasayan, and some shiragitu, swarnabrinda prashan, adarak, shikuri, etc. So how these naturally immune herbs helps us to boost our immunity? This we'll see. For example, amlaki. Amlaki is a, which is, we can say in the Latin name is Amelica officinalis. Is also known as amla, or we can say it's an Indian gooseberry. Amla can be used effectively to boost the immunity as it provides high amounts of vitamin C to the body. The vitamin C itself helps to the body to boost the immunity or to prevent the infectious. Nowadays, everybody is taking vitamin C, succi, NIC tablets, etc., etc. But we have the natural source than a tablet that is called the Indian gooseberry. The vitamin C not only helps in stimulating the production of antibodies, but is also a source of antioxidant also. The antioxidants helps, all the antioxidants helps to prevent from aging, so that it's a rich source of vitamin C as well as the antioxidants and easily available fruit, isn't it? So how to take this one daily basis. Amla also helps to increase the white blood cells count in the body, and which are the part of the immune system
that are responsible for fighting diseases. So WEC helps the, which is part of the immune system, so that are responsible for fighting of diseases. So that amla should be take simple amla, amla juice. Okay, amla murabba is also in the market for this for right eat bite and bite, by bite by bite. Finally, it also has strong antibacterial and astringent property, which also helps to strengthen body immunity overall. So that we have to take this amla, simple amla, that helps a lot. So this is the picture of amla, the Indian gooseberry or Amelica officinalis. The second booster drug is Guduchi. This can be called as a Trinospora cardifolia. And this is in Sanskrit is named as a amruta. That means it just like acts as a and nectar. The Guduchi medicine boosts functioning of the immune system. It also helps as a detoxifier and to enhance skin complexions. When we have skin problems in our body, you take 10 ml of this Guduchi juice with the honey, definitely there may be enhance the skin complexions, and the body, it also detoxify means that removes the free radicals which have been formed in the body or that can be removed from the peroxide molecules from the body. So this is very good medicine, Guduchi, and everybody is using nowadays. It can also treat respiratory problems, abdominal pain, hyperacidity and warm infestations, and this is a very good memory enhancer apart from the immune system. The Chanaka 500 years back told that Maso Guduchi Astu. That means you have to take the Guduchi juice of Guduchi in the morning. That definitely boosts your immune system, our immune system, and as well as the memory enhancer. Number of studies have been conducted on this Trinospora cardifolia. So this is the plant of Trinospora cardifolia. It's available all over Jaipur, Rajasthan, and country also. So the third one is Kurkuma Langa. This is the drug of kitchen, the mother of kitchen, we can say mother of kitchen, Kurkuma Langa. Each and every kitchen should have this haldi, this kurkuma, because there is no house in the universe without this turmeric, I think so. The kurkuma is a herb that is commonly known as turmeric. Kurkuma is extremely rich in antioxidants, which helps to boost immunity and prevent any damage from occurring in body due to the presence of free radicals. If free radicals present in the body, that gets old age or aging process. So definitely that prevents by using of this antioxidants. Especially in South India, the people, they are using the turmeric while walking, especially the females. Because of it is act as antiseptic and antibacterial, and that gives a very good skin complexion also, so that everybody is using this one, right? Even especially the some parts of the Andhra and Telangana, they are using this turmeric powder with water or with oil something, because of the women they are working with the and kitchen and washrooms and washing of cloths, etc., etc. So almost all they are moving in the with the wet area. So maybe it's also fungal growth, so that they are applying the this turmeric powder, turmeric paste with their legs, etc., so that that acts antiseptic and antifungal also. So these are the properties which have been given by the god to the people. So here, the antioxidant properties of kurkuma have been linked with the prevention of cancer, especially the colon cancer, and it stops the growth of a specific type of protein that helps cancer cells grow. One company is there, in Germany, they are preparing the kurkuma drops. Almost all the oncologists of the Jaipur, they are using the same drug for their cancer patients. Much more costly. It's a small 5 ml bottle that costs thousands of rupees, like that only. So why don't we use this simply, the powder of kurkuma. So it promotes the health of liver and can also improve the heart health as well.
It's also good for health and good for liver. It can also help improve the quality of skin that prevents cystic fibrosis and manage diabetes. For example, the diabetes, if you take a juice of amla, 15 ml or 20 ml, and one spoon of this curcuma langa, the powder of curcuma langa, that works more than the insulin. I'm damn sure, isn't it? So that we have to even eat, it helps in the diabetes also. The herb is a great option for anyone looking to boost their immunity through this curcuma langa. So one has to adopt this simple remedy, simple medicine, easily available, no cost at all. So this is a picture of curcuma. Then in some animal experimentations, rats subjected to the thioacetamide-induced hepatotoxicity are protected by curcumin also, a curcumin administration, an effect that was associated with the down regulation of the ACE gene. This was that I'm giving reference here, you can check it. And further also, rats subjected to induced or systematic arterial hypertension were protected by pre-treatment with the ginger and turmeric rhizome supplementation that lead to reduction in ACE activity. So that also even acts in the hypertension, arterial hypertension also. Hence, it might well be that the curcumin, by down-regulating ACE gene expression, can be of help of even against the COVID-19 diseases. The studies are going on, so that that can one day the drug may come with the anti-COVID medicine. So the other one is the Brahmi. You all know the Brahmi. The Brahmi itself is a memory enhancer with the name only. Use of this herb as juice daily regime to boost immunity, memory power, strength and intelligence. Simple drug, easily available. Take 10 ml or 15 ml of the juice of Brahmi, Bacopa monnieri, 10-15 ml with the honey, and definitely will get the boosting of immunity and as well as memory power, and strength and intelligence will be definitely increased, damn sure. Number of studies have been conducted on this Bacopa monnieri, Brahmi. So this is the plant of Brahmi. So nowadays, instead of Brahmi, the people are using Hydrocotyl Asiatica, Central Asiatica, so-called Mandukapani, also substituting with the Brahmi. So the other drug is Tulsi, is also known as Holy Basil and is considered to be one of the best herbs available for medicinal purposes. We all know nowadays it's a peak of the drug, we can say, or the father of the drug. In fact, Tulsi plant indoors can help protect from certain infections, diseases such as cold, cough, and viral infections, etc. We all know our grandmothers, if you get cold and cough, they simply went to the Tulsi plant and take some leaves and giving his juice to us. So we don't remember, we should don't forget such incidents in our life. So that definitely it cures cold, cough, and viral infections. And moreover, strong disinfectant it is, and germicidal factors are not the only reason. Tulsi is a great herb for boosting immunity also. So that people are daily taking few leaves of the Tulsi, so that boosts the immunity at all, and as well as the other viral infections. So recent studies have indicated that Tulsi can help slow down the growth of HIV cells and also inhibit development of certain carcinogenic cells also. So it is also undergoing. So we can believe that it contains a lot of antioxidants and micronutrients, which helps the immune system by protecting it damage caused by the free radicals. So it also helps immune booster, you can say. The herb is known to cure fever, help treat respiratory diseases such as asthma, and help wounds healing faster with the Tulsi leaves. Because of the Lord Krishna, if you offer a small leaf of Tulsi, he impressed, because it has such great valuable plant we have, that has very good phytochemicals, the plant has. So this is about the Tulsi plant. It is easily available, and every house probably have this plant. The other thing is a drumstick tree. Drumstick tree, we can say it's a miracle tree, we can say.
Why it's a miracle? Because this is because it has many powerful properties and can help to boost immunity also. This drumstick plant, simply using for cooking of a sabji like that only, we can. So, especially Tamil Nadu and Kerala, Andhra, Telangana, the southern part, they are without using of drumstick or its leaves, they don't take food in general. So that because of it has very good immunity booster. The ethanolic extract of moringa or leaves have significant immunomodulatory effect on immune system. So its name is moringa oleifera, so that moringa leaves are very good immunomodulatory effect on immune system. And moreover, it helps to stimulate cellular immune response and shows positive effects in increasing the level of lymphocyte and WBC and neutrophil count in the body. So naturally, all this helps to the fight against the infections. So that it's very good medicine. Furthermore, moringa has anti-cancerous properties and it can help in preventing a tumor growth. It helps in the preventing the tumor growth also. It also helps the body fight off many diseases as it has antibacterial, antiviral, and antifungal properties, etc. So, moringa is known for its antioxidant properties that helps the body to prevent from liver damages, manage diabetes, and improve your cardiovascular health, and heal wound, fosters improved digestion, and prevent neurodegenerative disorders. Because in old age, there may be a neurodegenerative disorders will appear, so that can control by using of this one, so that with all these things, it's miracle. That tree is a very miracle. You can say miracle tree, isn't it? Okay, so this is a plant of this moringa oleifera. This is all over Jaipur, available, easily available. We can take its leaves, fruits, even flowers also. The other thing is Philanthus neruri, also known as a stone, the plant of stone breaker. When you take 10 ml of this Philanthus neruri, definitely it controls the, it's a stone breaker. Moreover, it cures the hepatitis B. There's no medicine on for the hepatitis B, but this Philanthus neruri, we can say buyaula. So this has the capacity to cure the even hepatitis B also. And moreover, it also improves the immunity boosts, or we can say it's also immunity booster drug. So this is the plant of Philanthus neruri, and this can, we can say that this is in Sanskrit it can be called as a bhumi amlaki. The other one is ginger. Have half inch of freshly peeled ginger before meal with honey. Definitely your digestion will be improved because of just our Rashmi madam told that almost all the disease conditions comes to the gut only, isn't it? So prior to the meal, if you take half inch or 1/4 inch of the freshly peeled ginger with either with jaggery or with the honey, definitely that gives a ginger has anti-inflammatory and antioxidant properties. The herb stimulates metabolism also and helps to boost immunity. So that easily available drugs, we have to adopt it, we have to take it to boost our immunity. This is the gingiber officinale, we can say adarak, we can say in the local language, adarak. So ashwagandha, coming to the ashwagandha, the drug which is, this can be called as a Indian ginseng, are called as a sports medicine, isn't it? Within a somnifera contains a spectrum of diverse phytochemicals, enabling it to have broad range of biological implications. It is also a miracle drug, we can say. In preclinical studies, it has shown antimicrobial, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-stress, neuroprotective, cardioprotective, and anti-diabetic properties, along with antispasmodic. This is very good nerve and tonic, nerve soothing, sedative, hypotensive, antioxidant, immunomodulator, free radical scavenger, anti-stress, and anti-cancer agent. Everything is available in as a phytochemical form in this drug only. So
we have to take Ashwagandha, the powder of Ashwagandha with the 5 gram of Ashwagandha with a cup of milk in the morning just after breakfast to see the results. This is very good drug and helps to boost the immunity and old age degenerative disorders, cardiac disorders. Even the one company is there, I think Dabur company, they are preparing for the hypertensive, so that, and stress, the tablet, just tablet like that only, so that we have to take the powder with along with the milk only in the morning of just of diabetes, 5 gram of powder of Ashwagandha and 1 cup of milk, that gives a very good immune booster as well. Here, this is Ashwagandha, and nowadays this Ashwagandha cookie is also available in the market. So this is the right time, right to eat and bite by bite, and bite and bite, isn't it? So we can take with a cup of milk with 2 biscuits, that's sufficient, I think so. That gives very good boosting of the immunity, isn't it? So that is also available. So 1 tablespoon, this also helps for the boosting of the immunity. Then aqueous extract of tribulus fruits has significant acetylcholine esterase inhibitors effect in vitro, so that it is indicated in garbhini masana masaka paricharya. This masana masaka paricharya means this antenatal checkup, right? If a mother gets in the middle of the antenatal checkup along with the milk, a 6 month period, right, that prevents from the pre-eclamptic conditions. Eclamptia means during pregnancy there may be some women gets the pedal edema, hypertensive, etc., etc., and that causing much more dangerous conditions in the delivery period and pre and post delivery also. So that this during antenatal checkup, if one take this fruits of this fruits or plant of this tribulus terrestris along with the milk, definitely the women do not get the pre-eclampsia and eclamptic conditions, etc., etc. So it is indicated take Ritha and rice quill medicated with Gokshara, so that it is also a very good immune booster. So this is the plant, easily available, everywhere available, right? Okay. Shatavari, you all know Shatavari. Shatavari is a very good drug. It's an immune booster as well as the character gog. If a woman delivers after delivery, she should not have any breast milk. So this plant helps to increase the breast milk as well as immune booster also. Okay. Nowadays, this plant is going on research for the COVID also, because of it contains asparocyte C and asparocyte F, has a good binding with the target proteins only. The target proteins is much more important for the pharmacology point of view. Asparagus racemosus holds promise as SARS-CoV-2. It has 2 receptors, receptor S and receptor N, that proteins inhibitor, so that the COVID does not enter into the body. Example, the spike receptor binding domain from the virus gets entry into the host cell by combining with the ACS2, that S receptor, while NSP15 endoribonucleus is said to be responsible for replication of virus genetic material. So when that inhibits, in the study also found that the standard drug, the remdesivir, which is being used as treatment for COVID-19, has less binding affinity to the S protein compared to these phytochemicals. So that nowadays the study is going on for the on the asparagus racemosa. So this is asparagus racemosa, which is also a good immune booster, galactagogue, and etc. So estimodi also there. Estimodi is also mentioned for the immune booster. It has antioxidant potential activity, a promoting activity, and memory enhancing activity with the good convincing results. And it is an intellect promoting tonic, isn't it? The so-called medhya rasayana. Estimodi is called glycyrrhiza glabra, isn't it? So this powder is to be taken with a cup of milk
5 gram of water is to be taken with a cup of milk, that causing very good immunity booster, as well as that promotes the activity and memory enhancing activity with a good convincing results also. So this is about the Estimad Viseja Glabra. So almost all recommended are the ginger, cardamom, cinnamon, healing herbs, etc., etc., in the form of tea, some tonics, etc. So they have, these all also are having the immune boosting activity. The Ministry of Ayush has already declared that they have in the guidelines that take ginger, cardamom, cinnamon, etc., etc., as a decoction or as a tonic, etc. So definitely that helps in the boosting of immune activity. So these are the picture of cinnamon, cardamom, etc., etc. So in old age, what happened with the age, especially the old age, with the age, however, the immune becomes slower to respond to the pathogens. If an older person, he has very slower to respond to the pathogens because of the number of immune cells produced by the body may reduce prolonging the healing time. So number of immune cells are produced, the number of immune cells are produced by the body, that may cause reduction in number, so that there may be prolongation of healing time in the old age. The body may also develop an autoimmune disorder. The autoimmune disorder means what happens, which causes the immune system to mistakenly attack and destroy the healthy bacteria or the good cells and tissues due to old age. There may be autoimmune disorders also there, because of this is how our immunity declines as we age. So implying that older adults are more prone to infectious and diseases, so that the government of India or WHO, we can say WHO, has given guidelines to keep away from the COVID-19 of the old age people. This is the reason, because of the T cells in the immune system have a function of remembering. They remember if anybody comes to our guest, we can remember, and second time he comes, we welcome him. But here what happens, the T cells in the immune system have a function of remembering the harmful antigens to be able to fight against them better in the future. But here what happened, and as we age, the production of T cells reduces, so that no remembrance will be there, so that he will not have capacity to fight the new bacteria, new virus, etc., etc. So that we have to give the protect the people of old age, elders, moreover, by giving the natural immune drugs such as Ashwagandha, Shatavari, Guruchi, etc., etc., so that they will be have very good immunity in their body. So I'm talking about regarding single drugs. So here I'm coming to the compound formulations. The herbal compound formulations for immunity boosting, they are the Chyawanprash. The Chyawanprash consists of 30 to 38 to 40 drugs like that only, and all our antioxidants are definitely that gives a very good boosting. That Chyawanprash to be taken 20 grams of with the milk even after breakfast. So that gives a very good boosting for the immunity, as well as the respiratory disorders and some other disorders. So we have to practice it. We have to adopt the Indian culture. We are close to the nature. We have to adopt the Ayurveda. So this is a different Chyawanprash is one and same, but different companies are manufacturing. This is a photograph of Chyawanprash. The other thing is Brahma Rasayan. Brahma itself mentioned regarding this formulation, Dirghamayu. Dirghamayu means live long, live long, live, isn't it? Long live without diseases, long live with proper immunity, and give the boosting the immunity also. So that 20 grams of this Brahma Rasayan to be taken with the milk daily in the morning also helps in the boosting this one, the immunity. And the same medicine is prepared by Maharshi Mahesh Yogi in the form of Amrut Kalash. The Amrut Kalash is not available in India probably, and in America the people are using like food.
So amalic rasayan, a simple medicament of amala, the medicament is to be taken with milk and honey in the morning. If you don't take such a big medicines and take 1.5 gram of this amla churan, the powder of amla, along with the honey or milk in the morning, that's also sufficient to boost our immunity, isn't it? So that simple medicament this is also. Then people is assigned is also there. People means piper langam. Ki vayasthapanam. One is the vayasthapan means that prevents the aging, and medium that increases the memory power. Pippalinam rasayanam. This is the mentioned the quotation in the Charak Samhita. So that this has to be the one pippali, two pippali is to be taken with the honey powder for this pippali churna, isn't it? With the honey, definitely that boosts our immunity. So that, and these almost all the medicines which I am mentioned here, all are available in the kitchen only, and they do not harm any way. These are all herbal drugs and spice medicines. Easily we can take it, and that definitely suits to the body. That may be sathmiya to the body. So this is the piper langam, plantation of piper langam, as we can see. The final, the other thing is, this is for only pediatric purpose. Swarna Bindu Prashan. This Swarna Bindu Prashan, what happened? The process in which Swarna Basma with other herbal extracts taken in the form of semi-liquid and given to the children through their mouth is called Swarna Bindu Prashan, or Swarna, we can say Swarna Prashan. The Swarna Prashan or Swarna Bindu Prashan, it's a unique method of immunization which helps the children to boost up the intellectual power and produces non-specific immunity in the body to fight against general disorders. So we are preparing our kid right from the childhood only, so that he cannot get any infections in future. So by keeping that idea only, this Swarna Bindu Prashan has been implemented in the Vedas. So this has been mentioned in the Rigveda also, I think so. Rigveda, it has been mentioned. Okay, so that we have to practice this one to our children, but ensure that proper quality wise prepared medicine to be taken from the market, or genuine that means a genuine drug should be given to our kids. So this is the composition of this Swarna Prashan. 0.01% of the Swarna Basma and Echinus calamus and Bacopa monnieri and Convolvulus pluricalis is there, and Shuddha cow's ghee is there, and marabala fruit is there, avala is there, honey and syrup base and some excipients are there. So that this Swarna Bindu Prashan certainly boosts of the children's. So the advantages of the consuming immunity boosters. What are the advantages of drinking this immunity boosters in general? So the immunity boosters can help protect the body from various diseases and infections and strengthen the body. So that's why we have to take immunity boosters. These are made keeping in mind body's requirements. All these are made keeping body's requirement. Body requires much more elements, trace elements, alkaloids, glycosides, tannins, etc., etc. So that all are, the God is not available everywhere. First, it creates mother. Mother should look after the kids, number one. Second, the plantations. The plantation is nothing but gods only. They have much more chemical composition, phytochemical composition that helps the human body and easily suatable to the body, physical body. This is much more important. So these are immune boosters can replenish a lot of essential nutrients like vitamins, minerals, etc. in the body. This helps the speed of body's healing process. So they prevent even aging also, so-called, we can say, anti-aging drugs also there. These keep energized and increase our capability to be more productive. That energize us, our capacity will be increased. This also assists in maintaining body weight, blood pressure, digestion, body growth, healthy cholesterol, and many other aspects of well-being. So that we should adopt
the natural herbs, safe herbs, quality herbs, and moreover, adopt the Ayurveda. Moreover, this pulses has to be taken easily, as already Madam mentioned, Rashmi Madam, so I don't want to go in that matter. So natural immune boosters also there, like the fruits and vegetables that are rich in beta carotene, vitamin C, vitamin E, and zinc are good for boosting immunity. So carrot, etc., we have to be taken. This include broccoli, cauliflower, kiwi, orange juice, papaya, red, green or yellow pepper, sweet potato, strawberries, tomatoes, avocados, peanuts, almonds, spinach, eggs, dairy milk, and more, much more are there. So all should be adopted. We should be taken regularly as a nutritious diet. These are all a sasana to the body. All kinds of berries, along with foods that consist of rich in omega fatty acids, such as beans, flax seeds, and even some nuts can be consumed to strengthen the immunity. As Rashmi Madam told that we can add the poha by using of this legume seeds, like moongfali, like that only. So certainly we'll get the very good immune booster from the plant materials. Some immunity boosting herbs are garlic, very good garlic, and black cumin, etc., licorice, to be adapted to the day-to-day life, so that the natural immune boosters boost the body in this one. So add these to our diet for a healthier and happy immune system to fight against the the bacteria, etc., etc. Thank you, madam. Thank you so much. I'm highly thankful to Kotata madam and the director Rawat College, and also thankful to Dr. Bhattacharya madam, and also thankful to my friends, Professor Alka madam, Professor Rashmi madam, and other participants. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your wonderful suggestions related to food and herbs. We hope this session is beneficial for all of us in this pandemic time, and it is informative also. So we have some queries. Yes. Yes, madam. The first question is related to Dhanvantri Vishnoi. Can we use these herbs without doctor consultation? No, because of, see, for what purpose we are using, that must know, that can be say only doctors only. But few drugs like that, for example, Avala, Emelec officialis, Indian gooseberry, that can easily taken by the people, isn't it, madam? But we should be careful to take in excess of quantity, isn't it, madam? But always we should take the prescription of the doctor only, that's well and good. Isn't even see, if you take much food in our day-to-day houses also, we ask the mother, mummy, bas karo bhi, do roti paryapta hai, isn't it? So we should keep the things that we should follow the guidelines of the doctor, the quantity, dose, and time, and with the anupana and sayapana is also much more important while taking all these plant materials. Okay, ma'am. Thank you, sir. We hope this question is clear. And the second question is Pintu Salem. How Ascaris racemos, it is related to COVID. If related, what chemical is to fight with COVID? Pardon, repeat, madam, please. Sorry, sir, I interrupt you. So, please, you both are turn on your camera. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you, sir. Okay, ma'am. Okay. Now I would like to call the principal of this college for the thanking note. Thank you.
so much. As the principal of Rawalpindi Girls College, I am truly thankful to everyone who gave their time to their session. I think all of us got great insight today to cook, eat healthy, and use of herbs in very interesting manner, like cookies of herbs. That is a very innovative preparation from any herb. How to improve our immune system with the use of herbs, and how we can modify our diet in the tasty way, because taste matter a lot, especially in my case, taste matter a lot with the use of nutrients and herb, interesting use of herb. Thank you so much. I am very thankful to all of you for giving me the time. I offer my apologies if for any technical error due to some, if any problem occurred due to technical problem. Overall, the session was very informative and we learned a lot. So, looking forward to organize more such session in future. Stay healthy, eat healthy, and stay happy. Thank you. Thank you so much. Thank you for this. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.